नमस्कार, ज्योग्राफी के क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के भूगोल के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा पहला ही टॉपिक भारत के सामान्य परिचय के बारे में है। सामान्य परिचय का मतलब ये होता है कि हम भारत के बारे में कुछ सामान्य बातें करेंगे और वो सामान्य बातों में से एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको असामान्य नहीं मानेंगे, इसको असामान्य मानेंगे। पूरे पॉइंट्स को थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हम पॉलिटिकल भारत के मैप को दिखा करके चीजों को हम एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिटिकल मैप के साथ आते हैं। ये भारत का पॉलिटिकल मैप है जो आपको सामने में दिख रहा है। अगर इस मैप को गौर से देखेंगे तो मैंने कहीं कहीं कलर किया हुआ है। ये जो कलर किया हुआ है ये भारत के नेबर कंट्रीज हैं। जो कलर किया हुआ है वो भारत के नेबर यानी कि जो पड़ोसी देश है वो यहां पे हमने कलर किया हुआ है। जैसे ये पाकिस्तान है, चाइना है, और इधर म्यांमार और बांग्लादेश वगैरह। मैं सबके बारे में बात कर लूंगा, मैं कुछ बातें आपसे पहले क्लियर कर लूं। एक दूसरी बात, जब भारत के मैप को आप यहाँ पे देखते हैं तो बिल्कुल ब्लैंक मैप है। यहाँ पर हमने किसी भी क्या बोलते हैं राज्यों का नाम या उसके किसी शहर या उसके कैपिटल का नाम हमने यहाँ पे नहीं डाला है, हमने इसको नहीं लिया है। इसके पीछे कारण क्या है और इसके पीछे मेरा थॉट क्या है, वो दो बातें हैं। पहला, आप हमेशा सोचते हैं और आप हमेशा सुनते रहते हैं कि मैप को ऐसे तैयार करेंगे, मैप को ऐसे तैयार करना चाहिए, मैप को वैसे तैयार करना चाहिए, मैप के लिए अलग से। ये सब बकवास बातें हैं, ये सब बिल्कुल ही बेकार तरह की बातें हैं कि कोई स्पेशली आपको मैप तैयार करा रहा है। स्पेशली मैप तैयार करना, आपको करना क्या है कि आप पढ़ते हुए मैप को तैयार कर सकते हैं। स्पेशली कोई मैप के लिए बैठ के पढ़ना नहीं होता है। होता क्या है वो हम आपको बताते हैं। आप पहले मैप खरीदिए, भारत के पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, और दुनिया के पॉलिटिकल मैप एंड फिजिकल मैप, ये बात मैं हमेशा से कहते आता हूं। तो उसको आप दीवार पे चिपका लीजिए। उसके बाद आप उसमें छोटी छोटी चीजों को जो आप पढ़ते हैं एक पॉइंट्स को, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे कोई आपका इंटरेस्ट का एरिया, जैसे आपका क्रिकेट अगर इंटरेस्ट का एरिया है, कोई और खेल इंटरेस्ट का एरिया है, फैशन वगैरह, खाना वगैरह, तो आप वहां पे मैप पे लेके जाइए। आप ये देखिए कि ये फैशन यानी कि कोई सिल्क की कोई कपड़े अगर भागलपुर में टसर सिल्क मिल रहा है बिहार के, तो हम ये देखेंगे कि बिहार में भागलपुर कहाँ है जहां पे हमें टसर सिल्क ढूंढना है, या फिर कांचीपुरम की साड़ियां मिल रही है तो वो कहाँ पे है उसको ढूंढना है। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ आप मैप तैयार होता है। मैप कोई पढ़ाया नहीं जाता है कि ये चलो इधर लाइन दे लेना, ऐसे मान लेना, देखो ये छोटा है, ये ट्रिक बना देते हैं, ऐसे ट्रिक करके याद कर लेना। ये सब बेवकूफी भरी बातें हैं, विश्वास कीजिए कहीं कुछ नहीं होता है, कोई फायदा नहीं होता आपको। जब तक मैप के साथ खेलना, जिसको हम लोग अपने भाषा में, हम कम से कम अपने भाषा में बोलते हैं, मैप के साथ खेलना जब तक नहीं आएगा तब तक हम नहीं कर सकते। अब खेलना क्या है, तो हम खेलने के लिए इसको ब्लैंक मैप छोड़ा है। चूंकि शुरुआत हमने बातों को यहीं से किया था, तो हमने जो ब्लैंक मैप किया वो खेलने के लिए। क्या खेलने के लिए? आपके दिमाग के साथ, कि आपको कितना याद है इस ब्लैंक मैप में कि कहां कौन सा राज्य है। अब हमें तो सब याद है, हम तो बस ऐसे ही आपको बता देंगे तो सारा ऊपर से नीचे तक कर देंगे, लेकिन आपको कितना याद है। तो हम उस पॉइंट को यहां पर आपके लिए छोड़े हैं कि कहां पर क्या है। हाँ, समय के साथ हम चीजों को भरते हुए चलेंगे, पढ़ाते हुए। इससे क्या होगा कि आप चीजों को आइडेंटिफाई करने का एक कोशिश करेंगे। वो ट्रिक नहीं है, आइडेंटिफिकेशन है। ट्रिक और आइडेंटिफिकेशन में अंतर होता है। ट्रिक तो बस ये बना दिया, ले आर यू ने कुछ भी लिख दिया, उसके बाद बोलो इसको रट्टा मार लो, यही मैप होता है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता। आप इंफॉर्मेशन को मैप पे सजाइए तब मैप आपका होगा। और इंफॉर्मेशन कहां से आएगा, मैंने आपको बता दिया, चाहे पॉलिटी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, आपके इंटरेस्ट का कोई भी एरिया हो, इंफॉर्मेशन को मैप पे सजा दीजिए, मैप पे लेके आ जाइए। इसी को कहते हैं मैप के साथ खेलना। तो मैं जो यहाँ पे 2-3 मिनट आपके साथ जो बात किया है, वो 2-3 मिनट सिर्फ इसलिए बात किया है कि आप बरगलाने में नहीं आइएगा। मैप स्पेशल कुछ पढ़ने की चीज नहीं होती है, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसी को मैप पे उतारने का चीज ही मैपिंग होता है, और वही मैपिंग आपका काम आता है। कोई रट्टा या कोई ट्रिक आपका काम नहीं होता, इसलिए मैंने 2-3 मिनट आपका लिया है ताकि आपको कुछ समझ में आए। बावजूद इसके अगर आपको समझ में नहीं आया तो जय श्री राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम भारत के ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे थे और भारत के सामान्य परिचय की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम भारत के नेबर कंट्रीज के बारे में आपको बता दें, फिर हम भारत पे चले आएंगे। नेबर कंट्रीज, चूंकि इसको हम कलर किए हुए हैं, तो भारत के नेबर कंट्रीज में देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान है जो भारत का नेबर कंट्रीज है। नेबर कंट्रीज हम कह सकते हैं हमसे ही अलग हुआ है, तो चलो 1947 की बातें हैं, अब हम उन बातों को यहां पे लेके नहीं आएंगे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है,
ये भी हमारा नेबर कंट्रीज है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे हमारा किससे लग रहा है, लद्दाख के रीजन से अफगानिस्तान के कुछ बाउंड्री यहाँ पे लग रहा है। अगर आपको खूब अच्छे से गौर से ऊपर में दिखाई दे रहा होगा तो इस जगह पे ठीक है, अफगानिस्तान के कलर का ही। उसके बाद हमारे पास जो कंट्री है ये नेपाल है, एकदम भारत की गोद में ही है। आप देख रहे हैं कि इधर उत्तराखंड और सिक्किम। अब आपको अगर नहीं पता उत्तराखंड सिक्किम तो हम बता रहे हैं आपको, लेकिन आप इसी तरीके से इंफॉर्मेशन को मैप पे सजाते कैसे है वो देखते चलिए आप मेरे साथ, और देखिए कैसे आप तैयार हो जाता है पूरा मैप भी और इंफॉर्मेशन भी। ठीक है, ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड और सिक्किम के बीच में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नेपाल बैठा हुआ है। नेपाल ये आपका पूरा का पूरा चाइना है, यानी कि चीन है। हालांकि ये तिब्बत का एरिया है, लेकिन चूंकि चीन तिब्बत के एरिया को हड़प चुका है, और हमने मतलब भारत ने उस समय के जो गवर्नमेंट थे हमारे नेहरू जी के गवर्नमेंट, उन्होंने चाइना को अप्रूवल भी दिया कि हाँ ठीक है। तो जब हमने कह दिया है, सरकार ने हमारी कह दिया है कि ठीक है, तो चाइना तिब्बत चाइना का अंग है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। हमारे पास ये कॉन्ट्राडिक्शन बहुत है। एक तो हमने तिब्बत को चाइना का अंग कह दिया, और दूसरा तिब्बत के जो दलाई लामा है उनको हम अपने यहाँ हिमाचल प्रदेश में शरण दिए हुए हैं। अब आप ढूंढिए इसमें हिमाचल प्रदेश कहाँ है, अभी हम नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। ठीक है, चलिए। ये यहाँ पे आपका भूटान है, भूटान है ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये छोटा सा भूटान है। ये भूटान भी आपका ही है, आपके गोद में ही है। आप इसके लिए बहुत ज्यादा इसको हेल्प करते हैं, भूटान को और नेपाल को, आपके वजह से ये जिंदा है। अगर सही तरीके से हम बात करें तो ये दोनों कंट्री, हालांकि चाइना कभी कभी भूटान और नेपाल को अलग तरीके से कुछ लोग मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन और नेपाल और भूटान का सिचुएशन ऐसा है जहां पे चाइना की पहुंच बहुत मुश्किल है, और भारत के लिए तो बिल्कुल रोटी बेटी वाली बात है, क्योंकि नेपाल में बहुत सारी शादियां होती है हमारे यहाँ यूपी और बिहार के इस जगह के ये जो यूपी है और ये जो बिहार है, यहाँ का जो बाउंड्री है जिसको हम तराई रीजन कहते हैं, यहाँ के लोगों की शादी होती है नेपाल में। चलिए ठीक है, आगे इधर हम लोग बात करते हैं, म्यांमार है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे म्यांमार के बारे में, लेकिन म्यांमार भारत से किस तरीके से अलग है। तो यहाँ पे एक पर्वत है, उस पर्वत को मैं दूसरे कलर से देख कर दूं, ठीक है, आपको दिखाई ना भी दो तो समझ लीजिए कि ये दूसरा कलर है। यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है आराकान योमा, इसी पर्वत श्रेणी से म्यांमार भारत से अलग है, और ये आराकान योमा एग्जाम का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया गया है। उसके बाद फिर से हम आते हैं, और यहां पर ये हमारा कंट्री है बांग्लादेश, ठीक है, अमार सुनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी की कृति है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है। बांग्लादेश ने उसे अपना नेशनल सॉन्ग माना है, अपनी राष्ट्रीय गीत माना है बांग्लादेश ने। आप जानते हैं 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था, आजाद नहीं हुआ था, एक नए देश के रूप में फॉर्मेशन हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। तो उसमें इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है बांग्लादेश को नया देश बनाने में, तो उसके लिए बांग्लादेश हमारा हमेशा, हम भारतीयों का ऋणी है और हम इंदिरा गांधी जी के ऋणी है कि एक बड़े कौम को उन्होंने आजादी दी। किस बात की आजादी? शोषण के विरुद्ध आजादी। किस बात की आजादी? आजादी कुछ दूसरे भाषा थोपने जाने की आजादी। इन सब बहुत सारी चीजों से आजादी दिया बांग्लादेश को। एक आजाद मुल्क थे, लेकिन एक नए मुल्क का निर्माण जरूर इंदिरा गांधी जी ने करवाया। और कुछ जो पॉइंट मैंने आपको बताया था कि नए भाषा और शोषण के से आजादी की बात, तो जब बांग्लादेश का इतिहास पढ़ेंगे तो मेरी आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। अगर अभी नहीं आ रहा है तो बिल्कुल ना आए, एकदम परफेक्ट हैं आप। अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रहा तो आप हमारे लिए परफेक्ट है, क्योंकि आप एक न्यूट्रल हैं। अगर समझ में आ रही है तो थोड़ा सा आप हमारे तरह से न्यूट्रल हो जाइए और हमारे साथ आइए। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। नीचे श्रीलंका है, श्रीलंका है नीचे आप देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ हमारा लैंड कनेक्शन नहीं है, यानी कि जमीनी कनेक्शन नहीं है। इसके साथ हमारा वाटर बाउंड्रीज है, जो पाक स्ट्रेट है वो श्रीलंका को भारत से अलग करती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि मैं मैपिंग, देखो इंफॉर्मेशन और मैपिंग सब साथ में चल रहा है, ठीक है। यहां पर देखो ये पाक स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट मैं यहां पर लिख देता हूं, पाक स्ट्रेट है, पाक जल संधि है, जो श्रीलंका को भारत से क्या करती है, अलग करती है। तो ये लैंड बाउंड्री से हमारा अटैच नहीं है। तो लैंड बाउंड्री से कितने कंट्रीज अटैच है? देखो पाकिस्तान एक, अफगानिस्तान दो, चाइना तीन, नेपाल चार, भूटान पांच, म्यांमार छह और बांग्लादेश सात। तो सेवन कंट्रीज हैव लैंड बाउंड्रीज विथ
इंडिया, यानी कि भारत के साथ सात ऐसे कंट्री है जिसका लैंड बाउंड्रीज है, सात कंट्री है, ठीक है, सेवन कंट्रीज हैव लैंड बाउंड्री विथ इंडिया, सात। अब वो कौन कौन से कंट्रीज है ये बात हमने यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए उसी तरीके से कुछ कुछ इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे लिखते हुए चलेंगे, लेकिन हम मैप के साथ काम करते हुए चलेंगे। अब आते हैं भारत पे, अभी तक भारत पे आए नहीं थे, अब आते हैं भारत पे। भारत की राजधानी दिल्ली है, ये यहाँ पे भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली, ये बताने की जरूरत है क्या, नहीं है। भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत का एरिया कितना है, जरा मैं कुछ बेसिक बातें आपको बता दूं कि भारत का एरिया कितना है, तो भारत का एरिया है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का एरिया है, और ये दुनिया में सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री, ठीक है। भारत क्या है, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। अगर सातों बड़े कंट्री का नाम हम आपको बता रहे हैं, तो सबसे पहले रसिया है, दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे नंबर पे यूएसए है, चौथे नंबर पे चाइना है, पांचवें नंबर पे ब्राजील है, पांचवें नंबर पे ब्राजील है, छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, और सातवें नंबर पे हमारा भारत है, ठीक है ना। तो सातों नंबर को, सातों को हमने बता दिया, आप अपने कॉपी में इन सातों को लिख सकते हैं। पॉपुलेशन वाइज हम सेकेंड लार्जेस्ट हैं, और हमारा पॉपुलेशन 1.21 है ना, 1.21 करोड़ है ना, हमारा पॉपुलेशन 1,21,00,000 एज पर, यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, ये एज पर 2011 है, ठीक है, 2011 के अनुसार है। 2021 जो भी चल रहा है यहाँ पे, जब जनगणना की बात हो जाए, हालांकि कोरोना को लेकर के जनगणना को रोक दिया गया है, मार्च से ही शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन जो जनगणना की चीजें शुरू हुई है या होने जा रही है, तो 2021 का जब डेटा हमारे पास 2022 तक आना शुरू हो जाएगा या 2023 तक फाइनल आ जाएगा, तो फिर हम 2021 के डेटा को यूज करना शुरू कर देंगे। जब तक कि फाइनल डेटा हमारे पास नहीं आ जाता, हम 2011 के डेटा को ही यूज करेंगे, और आपके एग्जाम में 2011 की डाटा ही पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 2021 के डेटा को नहीं पूछा जाएगा, किसी भी हाल में नहीं पूछा जाएगा, समझ गए ना। 2011 ही डेटा पूछा जाएगा, क्योंकि सरकार के पास मानक यही है, स्टैंडर्ड यही है 2011, ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए, तो हम वैसे पॉपुलेशन में दूसरा सबसे बड़ा है, यह बात आप जानते हैं, सबसे बड़ा चाइना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ पे आपसे क्लियर किया, ठीक है। अब जरा हम आगे बात करते हैं, तो भारत के बारे में यहाँ पे कुछ कुछ चीजें मैंने भारत के बारे में बताया है, भारत के कंसर्न के बारे में बताया। अब भारत के बारे में देखते हैं, भारत का सबसे उत्तरी, यहाँ पे देखो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है ना, देखो यहाँ यह है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, यानी कि सबसे उत्तरी बिंदु भारत का, सबसे उत्तरी बिंदु और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है, तो इसका नाम है इंदिरा कॉल। इसका नाम क्या है, इंदिरा कॉल, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसका नाम है इंदिरा कॉल, और इंदिरा कॉल इसका नाम है, और यहाँ पे एक लैटिट्यूडनल डिग्री है, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लैटिट्यूडनल डिग्री वो है 36 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, 36 डिग्री 6 मिनट। तो ध्यान रखिएगा कि 36 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूडनल यहाँ पे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, और ये लैटिट्यूडनल डिग्री है इंदिरा कॉल का। उसके बाद साउदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें, तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर यहाँ है, यहाँ सबसे नीचे, और इसका नाम हम आपको लिख दे, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट, इसको क्या कहा जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट, इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। और ये कहां स्थित है, ग्रेट निकोबार में, तो इसको आप लिख लीजिएगा, ये लोकेटेड ऑन ग्रेट निकोबार। चलो, तो इसको पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट है, वो क्या है कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड, ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड। जब मेनलैंड की बात आती है, तो जो भारत आपको दिख रहा है उसी की बात हो रही है, और जब पूरे भारत की बात आती है, तो हम यहाँ पे अंडमान निकोबार तक चले जाते हैं, अंडमान निकोबार तक, जिसके ग्रेट निकोबार पे क्या है, इंदिरा पॉइंट है। तो जब मेनलैंड की बात करें, सिर्फ मेनलैंड की, तो आप क्या करेंगे, मेनलैंड की बात करें
करेंगे तो सिर्फ आप सीधे आप यहाँ पे आ जाएंगे इस जगह पे, और इस जगह का नाम है कन्याकुमारी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी इस जगह का नाम लिख दिया मैंने, कन्याकुमारी मेनलैंड है। और यहाँ का डिग्री भी बता दूं, जैसे कि यहाँ पे मैंने डिग्री बताया 36 डिग्री 7 मिनट, तो यहाँ का डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 8 डिग्री 4 मिनट। मैंने यहाँ पे हालांकि अच्छे से लिख दूं मैं, एट डिग्री फोर मिनट है यहाँ बेटा, ध्यान रखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट किसका है, कन्याकुमारी का है। कन्याकुमारी का है 8 डिग्री 4 मिनट, वहां पे जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर में लिखा है। तो 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी का हो गया, चलिए ठीक है। अब हम बात करते हैं जो इंदिरा कॉल है, मैंने कहा था कि मैपिंग को हम करते हुए चलेंगे, जो इंदिरा कॉल है वो कहाँ है, तो देखो ये लद्दाख है। अभी क्या है कि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया, ये बात आप जानते हैं। तो ये लद्दाख है, तो दूसरा भाग क्या है, ये जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर है, ये बात हमने आपको बताया था, है ना। चलिए लद्दाख ये उत्तराखंड कर दिए आप, यहाँ पे हमने सिक्किम कर लिया। अब नीचे में कन्याकुमारी कहाँ है वो देखिए, तो ये देखो तमिलनाडु में कन्याकुमारी है, तमिलनाडु सबसे नीचे तमिलनाडु है, यहाँ पे मैंने तमिल लिख दिया है, तमिल इनकी भाषा भी है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में कन्याकुमारी है, ठीक है। और ये केरला है, केरल, ठीक है, ये केरला है सबसे नीचे। तो कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में पड़ता है, इस बात को ध्यान में आप रखेंगे, कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है, इस बात को ध्यान में आप रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं पॉइंट को देखिएगा, स्टोन मोस्ट पॉइंट। अगर हम यहाँ पे स्टोन मोस्ट पॉइंट की बात करें, ये यहाँ पे स्टोन मोस्ट पॉइंट सबसे पूर्वी बिंदु, स्टोन मोस्ट पॉइंट की बात करें तो सबसे पूर्वी बिंदु हमारा क्या है वो देखो, तो सबसे पूर्वी बिंदु का हमारा नाम है वलांगू या किवीथू, वलांगू या किवीथू दोनों में से कोई भी नाम आपको मिल सकता है, वलांगू या किवीथू कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। हालांकि अरुणाचल प्रदेश मुझे वहां लिखना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डिग्री लिखूंगा, है ना। तो डिग्री क्या है वो मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर डिग्री है इनका 98 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। अच्छा यहाँ पे मैंने चीजों को थोड़ा सा अलग कर दिया है, यहाँ पे एन है नॉर्दर्न है और यहाँ पर भी एन है ठीक है ना, और ये ईस्ट है, ईस्ट में है, ठीक है ना, 98 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है, इस बात को आप समझिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके बेस्टोन मोस्ट पॉइंट को, तो इसका बेस्टोन मोस्ट पॉइंट ये है ये, और इसका नाम है, मैं आप इसका नाम लिख दूं, गौड़ माता। तो गौड़ माता क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट है ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है ना, ये यहां पे पॉइंट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस भारत के बारे में और कुछ और बात करते हैं, जैसे गौड़ माता से लेकर के और यहाँ पे वलांगू की अगर हम बात करें, तो एक छोटा सा हम यहाँ पे लाइन खींचते हैं, ध्यान रखिएगा, ये छोटा सा लाइन हमने खींचा है, और इस लाइन में हम ये कहना चाहते हैं कि स्टोन मोस्ट पॉइंट से बेस्टोन मोस्ट पॉइंट का टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ कितना है। तो टोटल लंबाई की अगर बात करें तो ये होता है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है टोटल लेंथ, 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ध्यान रखिएगा फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, समझ में आ गया। चलिए उसी तरीके से नॉर्थ से साउथ की अगर हम बात करें, तो यहां से हम यहाँ पे लेंगे और एक लाइन इस जगह पे ऐसे करके खींच देंगे, जब नॉर्थ से साउथ की तरफ की बात करते हैं तो इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर, 32 से 14 किलोमीटर, ये नॉर्थ टू साउथ है बेटा, नॉर्थ टू साउथ है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, 3214 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला पॉइंट यहां पर देख लीजिएगा, पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखिए, देखिए ये नीचे में ये है आपका बंगाल की खाड़ी और ये है आपका अरबियन सी यानी कि अरब सागर, ठीक है, ये बंगाल खाड़ी अरब सागर। अब पॉइंट यहां पर ये है कि भारत के कितने ऐसे स्टेट हैं जिनका, कितने ऐसे स्टेट है जिनका बाउंड्री
कोस्टल है यानी कि कोस्टल बाउंड्री है। हाउ मेनी इंडियन स्टेट हैव कोस्टल बाउंड्री, क्वेश्चन ऐसे है यानी कि कितने ऐसे भारतीय राज्य जिसके पास कोस्टल बाउंड्री है, ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से भारतीय राज्य है और कितने हैं। तो एक दो तीन मैं यहाँ पे लिखते चलता हूं, गुजरात एक, महाराष्ट्र MH दो, गोवा तीन, गोवा लिख देता हूं मैं यहाँ पे, गोवा, कर्नाटका चार, केरला पांच, तमिलनाडु छह, आंध्र प्रदेश सात, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा आठ, उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल नौ, यानी कि नाइन स्टेट हैव कोस्टल बाउंड्री। यहां पर मैं लिख देता हूं कि नाइन स्टेट हैव कोस्टल बाउंड्री, नाइन स्टेट्स हैव कोस्टल, ठीक है, बाउंड्री, नाइन स्टेट है कोस्टल बाउंड्री, और इसको मैं घेर देता हूं ताकि आपको ये पता चले कि ये इसके बारे में, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट हम लोग यहां पे बात करते हैं कि इनमें भी सबसे बड़ा बाउंड्री कौन किस स्टेट का है, इनमें भी यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हिच स्टेट हैव लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री, यानी किस राज्य के पास सबसे लंबी कोस्टल बाउंड्री है, सबसे लंबी कोस्टल सीमा रेखा है। तो दैट इज गुजरात, गुजरात के पास सबसे लंबी कोस्टल बाउंड्री है। हालांकि आप जब आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको आंध्र प्रदेश लगेगा कि बहुत बड़ा है, देखो कितना बड़ा लग रहा है आंध्र प्रदेश, लेकिन आंध्र प्रदेश के पास नहीं है गुजरात। तो गुजरात हैव लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री, ठीक है, गुजरात हैव लॉन्गेस्ट कोस्टल COS बाउंड्री, ठीक है, हो गया। कोस्टल बाउंड्री गुजरात के पास सबसे लंबी है। अब अगला पॉइंट यहां पर ये है, तो इस कोस्टल बाउंड्री की टोटल लंबाई क्या है, को टोटल लंबाई, तो जब हम कोस्टल बाउंड्री की टोटल लंबाई की बात करते हैं तो टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल बाउंड्रीज, ये बात मैंने यहां पे लिखा है। तो टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल बाउंड्रीज की जब हम बात करते हैं तो पूरा ये कोस्टल बाउंड्रीज यहां तक WB तक लेकर के और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, यहां पे लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार है, इस सब को मिलाकर के टोटल बाउंड्रीज है 7516 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, ये टोटल लेंथ है, ठीक है। लेकिन जब आप बात करते हैं कि एक्सक्लूडिंग यानी कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को अगर अलग हटा दिया जाए, छोड़ दिया जाए, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को एक्सक्लूड किया जाए, तो वहां पर हो जाता है 6100 किलोमीटर, यानी कि अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को आप एक्सक्लूड कर देते हैं तो 6100 किलोमीटर ही बाउंड्री है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि गुजरात में यहाँ पर जो पाकिस्तान की सीमा के साथ गुजरात का बाउंड्री है और इसको हम मापना शुरू करें और बांग्लादेश की सीमा तक पहुंच जाए, वेस्ट बंगाल के बाउंड्री तक, तो वो 6100 किलोमीटर होगा। लेकिन जैसे ही हम आपको अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को इंक्लूड कर देते हैं वो 7516 किलोमीटर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो आपने देख लिया कितने ऐसे स्टेट है जिसके पास कोस्टल बाउंड्री है, उसमें से भी सबसे बड़ा क्या है और कोस्टल बाउंड्री की टोटल लेंथ वगैरह आप लोगों ने जान लिया। अब यहां पे अगला पॉइंट यहां पे ध्यान दीजिएगा कि भारत का जो जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और ये जो हमारे पड़ोसी कंट्रीज हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि भारत के कितने ऐसे स्टेट है जो पड़ोसी कंट्रीज के साथ बाउंड्री बनाते हैं, कितने ऐसे स्टेट है। तो जरा हम मैप को भी करते हुए चलेंगे और देखेंगे कितने ऐसे स्टेट है। सबसे पहले तो गुजरात हो गया एक, ठीक है, राजस्थान हमारा दो, ठीक है, उसके बाद हमारा पंजाब, पंजाब हमारा तीन। अब JNK और लद्दाख स्टेट नहीं है तो हम इसको यूनियन टेरिटरी में गिनती करेंगे, तो पंजाब हमारा क्या हो जाएगा, तीन। उसके बाद पंजाब के बाद ये आ गया हमारा हिमाचल प्रदेश, चार, हिमाचल प्रदेश चार HP, ठीक है, UK यानी कि उत्तराखंड पांच, पांच हो गया, सिक्किम छह, ये हमारा सिक्किम है, सिक्किम छह हो गया ना, एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है। चलिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणा लिख करके छोड़ दिया हूं मैं, ये सातवां है, सातवां, तो ये अरुणाचल प्रदेश है। अब हमारा अरुणाचल प्रदेश के बाद आता है नागालैंड,
नागालैंड, ये कौन सा कंट्री कैमा हो गया आठवां, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मणिपुर, ये कौन सा हो गया नौवां। उसके बाद आता है हमारा यहां पे मिजोरम, ये कौन सा हो गया दसवां। उसके बाद आता है हमारा यहां पे त्रिपुरा, ये कौन सा हो गया ग्यारहवां, त्रिपुरा ग्यारहवां। उसके बाद ये आता है हमारा मेघालय, मेघालय ये हो गया आपका बारहवां। उसके बाद हमको ये आता है असम, असम ये हो गया हमारा तेरहवां, तेरहवां ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये वेस्ट बंगाल, चौदहवां। उसके बाद आता है हमारा ये यूपी, पंद्रहवां। उत्तर प्रदेश, और यह था हमारा बिहार, सोलहवां। यानी कि कितने स्टेट है जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है, तो 16। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि 16 स्टेट हैव इंटरनेशनल बाउंड्री। ये हो गया पॉइंट, आप इसको थोड़ा सा समझिएगा। अब अगला पॉइंट यहां पर ये है कि सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ है, किस किस स्टेट के साथ है। देखिए तो जितने भी आप यहाँ पे सॉरी किस किस कंट्री के साथ है, तो जितने भी आप कंट्री यहाँ पर देख रहे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सब में मैक्सिमम बाउंड्री जो हमारा शेयर होता है वो बांग्लादेश के साथ है। तो सबसे ज्यादा बाउंड्री का हमारा किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है। तो इसको मैं एक दूसरे क्या बोलते हैं विंडो में जाकर के लिखता हूं, ध्यान रखिएगा। वैसे कंट्रीज जिसके पास भारत का बाउंड्री है, सबसे पहले हम लोग पाकिस्तान का नाम ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पाकिस्तान का नाम लिया। अब ये देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत का कौन कौन सा स्टेट है। उससे पहले हम पाकिस्तान के बाउंड्री की पूरी लेंथ बताते कितना है। 3323 किलोमीटर पूरा लेंथ है, और इस बाउंड्री को का एक नाम है जिसको कहते हैं रेड क्लिफ, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। इस बाउंड्री का नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आते हैं। पाकिस्तान के बाद हम अफगानिस्तान की बात करते हैं। अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान के साथ हमारा बाउंड्री 106 किलोमीटर, उसका नाम है डुरंड लाइन। उसका नाम क्या है, डुरंड लाइन, ठीक है। अफगानिस्तान के बाद हमारे पास है चाइना, चाइना के साथ जो हमारा बाउंड्री शेयर होता है वो है 3488 किलोमीटर मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन, हालांकि चाइना मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है, ये अलग बात है, ठीक है। चलिए, चाइना के बाद हमारे पास जो कंट्री है वो है नेपाल। चाइना के बाद हमारे पास जो कंट्री वो क्या है, नेपाल। नेपाल के साथ हमारा बाउंड्री है 1751 किलोमीटर। नेपाल के बाद हमारे पास जो कंट्री है वो है भूटान। नेपाल के बाद हमारा कंट्री कौन सा है, भूटान। भूटान के साथ हमारा जो बाउंड्री है वो 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। भूटान के बाद हमारे पास जो कंट्री है वो है म्यांमार। म्यांमार, म्यांमार के साथ हमारा कितना बाउंड्री है, 1643 किलोमीटर। और सबसे बाद में हमारा है बांग्लादेश, जिसके साथ हमारा सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा इसी के साथ हमारा बाउंड्री है बांग्लादेश। और ये कितना किलोमीटर है, ये है 4096 किलोमीटर। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है, बीबीआई
ठीक है, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ हमारा सबसे बड़ा बाउंड्री है। तो ये 7 ऐसे कंट्रीज है जिसके साथ हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री है। ठीक है, चलिए अब ये बात हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैं आपको फिर से मैप पे वापस लेके चलता हूं, और जब मैप पे हम वापस लेके आए हैं तो अब हम आपको कुछ कुछ और बातें आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि भारत का जो ISTS है वो कहां से गुजरती है, इंटरनेशनल जो हमारा क्या बोलते हैं टाइमलाइन है वो कहां से गुजरती है। तो देखो हमारा इंटरनेशनल टाइमलाइन कुछ ऐसे गुजरती है, यूपी के मिर्जापुर वगैरह से होते हुए कुछ इस तरीके से गुजरती है। ठीक है, ये हमारा इंटरनेशनल टाइमलाइन है। अब ये ISTS है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ISTS ये कितना डिग्री है, 82.5 ईस्ट है, यानी कि 5.5 घंटा आगे हैं हम, प्लस में है, 5.5 घंटा आगे प्लस में है। ये बात हमने आपको लॉन्गिट्यूड में जरूर बताया था। अब पॉइंट यहां पर यह है कि यूपी के मिर्जापुर से गुजरते ये क्वेश्चन कई बार आया है, लेकिन किन किन राज्यों से होके गुजरती है वो भी एक बार हम देख लेते हैं। तो देखो ये किन किन राज्यों से होके गुजरती है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भारत के किन किन राज्यों से होके गुजरती है यहाँ पे टाइम लाइन। उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ये 5 राज्य है यहां पर। देखो यूपी से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो ये यहां पे ISTS है जो यहां पे हमने 82.5 लिखा है, ठीक है ना, इस पॉइंट को समझिएगा अच्छे तरीके से। अब हमारा अगला पॉइंट है, उसको थोड़ा सा और गौर से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि कितना किलोमीटर लैंड बाउंड्री है। जैसे कि हमने तो ये बता दिया कि कितना किलोमीटर आपका कोस्टल बाउंड्री है, तो कितना किलोमीटर लैंड बाउंड्री है ये बात हमें बताना है, यानी कि इस तरीके से जो मैं यहाँ पे खींच रहा हूं और यहां से आते आते यहां पर तक कितना किलोमीटर, ये इस तरीके से ये कितना किलोमीटर है। तो ये टोटल किलोमीटर 15,200 है। कितना है टोटल किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर है टोटल। तो यहां पर लिख देता हूं मैं लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर, ठीक है। टोटल लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर हो गया, टोटल कोस्टल बाउंड्री 7,716.16 किलोमीटर। तो टोटल बाउंड्री कितना हो गया, 22,716.16 किलोमीटर की हमारी बाउंड्री है। कोस्टल बाउंड्री नीचे है और लैंड बाउंड्री ऊपर है, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। चलिए हमारा क्लाइमेट कैसा है, तो हमारा क्लाइमेट मानसूनी है, ये बात तो आप जानते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम आपको पूरे जो स्टेट है वहां से जो एग्जाम वगैरह के जो क्वेश्चन निकलते हैं उसको हम निकालते हैं और फिर मैप के साथ आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमें मैप पे वापस जाना पड़ेगा, तो मैप पे हम यहाँ पे वापस आ गए। अब मैप हमारा देख रहे हैं कि वहां पे हमारे पास जगह नहीं है कि कोई चीज बताएं, तो हमको क्या करना होगा, इसको होगा मिटाना। तो हम इसको मिटाते हैं, ठीक है, और मिटा करके आई होप आपने लिख लिया होगा, नहीं तो वीडियो पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मिटा करके हम एग्जाम का क्वेश्चन आपके साथ शेयर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये है कि कौन ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो वो त्रिपुरा है। आप देखिए ये बांग्लादेश से तीनों तरफ घिरा हुआ है, यहां भी बांग्लादेश ही है, ये भी बांग्लादेश है। मैं यहाँ पे आपको कलर कर दूं इसी कलर से, कोशिश करूं कि इसी कलर से करूं, ठीक है, ये भी बांग्लादेश ही है बेटा, ये भी बांग्लादेश ही है और ये आपका त्रिपुरा है, जो कि मैं यहाँ पे ब्लैक कलर से ले लेता हूं, ये आपका त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। अगर ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कुछ पूछा है, और भी दूसरा तीसरा क्वेश्चन पहले एग्जाम का ले लेते हैं और फिर हम भारत के साथ खेलना शुरू करते हैं। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम का पूछा, तो एक और क्वेश्चन है कि कौन ऐसा स्टेट है या स्टेट की पूरी लाइन है जो कि म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाती है, म्यांमार, तो ये म्यांमार है। अब कौन ऐसा स्टेट है जो म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाती है, ऑप्शन होगा आपका नागालैंड, मैं यहां पे दूसरा कलर ले लूं, ठीक है, ऑप्शन होगा आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय, ये यहां पे है मेघालय आपका,
अब आप हमें बताइए कि कौन ऐसा स्टेट है जो म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाती है इस ऑप्शन में। नागालैंड, म्यांमार, नागालैंड, मणिपुर, मैं पूरा लिख दूं क्या? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, म्यांमार, सॉरी मेघालय। तो आंसर क्या होगा? मेघालय। मेघालय क्या म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनती, क्योंकि आप देख रहे हैं कि म्यांमार के साथ किसकी किसकी सीमा है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और यहां पे अरुणाचल प्रदेश की सीमा है। इन चारों राज्यों की सीमा किसके साथ है? म्यांमार के साथ। बांग्लादेश के साथ किसकी किसकी सीमा है वो देखिए। तो ये बात समझ में आ गया ना? तो मैं इसी तरीके से करना चाहता हूं। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कुछ ऐसा करेंगे, जैसे लिख लेंगे पाकिस्तान, फिर से मैं पाकिस्तान से ही शुरू करता हूं, लिख लेंगे पाकिस्तान और यहां पर लिखेंगे कि भारत का कौन कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं गुजरात, मैं एक बता देता हूं, बाकी आप वहीं पर कर लीजिएगा, गुजरात, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर बताएंगे राजस्थान, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे पंजाब, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी में हम बनाएंगे जेएनके। तो ये तीन ऐसे स्टेट हैं और एक यूनियन टेरिटरी है, दैट इज जेएनके, है ना, या लद्दाख भी। तो ये ऐसे यूनियन टेरिटरी जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। अब हम मैप पे चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तान के साथ कौन कौन सीमा बनाती है। अब देखिए मैप पे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जेएनके, लद्दाख, ठीक है। तो आप देखिए इसको लिखिए, ये तीनों स्टेट है और ये क्या है, दोनों यूनियन टेरिटरी है। अब अगला पॉइंट है अफगानिस्तान के साथ कौन सीमा बनाती है। तो वहां पर अफगानिस्तान आप लिख देंगे, अफगानिस्तान अपने इस जगह पे जाकर के अफगानिस्तान, और फिर वहां पे लिखेंगे कौन सा, लद्दाख, जो यूनियन टेरिटरी है अफगानिस्तान के साथ। उसके बाद आप लिखेंगे चाइना, चाइना लिखिए, और चाइना के साथ किस किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी की सीमा है वो देखिए। पहले तो लद्दाख, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, वहां पर मैंने लिखा है। यानी कि ये ऐसे राज्य हैं जो कि चाइना के साथ लगता है। आप देखिए चाइना है, लद्दाख। आपको मैप के साथ खेलना आना चाहिए, मैप से ऐसे ही खेलते हैं, इसी तरीके से याद रखते हैं, कोई रट्टा उट्टा नहीं होता है बेटा, इसी तरीके से याद रखते हैं कि हाँ ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। इस तरीके से करते करते आपको मैप आपका अपना हो जाएगा, कि जैसे ही आप कहिएगा अरे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड कहाँ होगा, ओ उसका तो चाइना के साथ है, तो ये तो ऊपर होगा। बात समझ में आ रहा है? तो मैप को रोज रोज देख करके इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करके ये चीजें याद आ जाती है। जैसा कि मैंने कहा मैप से खेलना चाहता है, अपने इंफॉर्मेशन को मैप पे उतार दीजिए। मैं अपने इंफॉर्मेशन को मैप पे उतार रहा हूं। यहां पर देखो ये नेपाल है। अब अगला कंट्री आपका कौन सा? नेपाल होगा। अब नेपाल के साथ किसकी किसकी सीमा लगती है? तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, सिक्किम और डब्ल्यूबी। देखो यहां पर ये डब्ल्यूबी, अब यहां पे जो डब्ल्यूबी जो नेपाल के साथ लगती है, और क्या बोलते हैं यहां पे बांग्लादेश है वो भी लगता है, ध्यान रखिएगा। ये जो कहानी है जहां पे आपको देख रहा है कि नेपाल के साथ लग रहा है, इसको चिकन नेक बोलते हैं, चिकन नेक। चिकन नेक बोलते हैं यह पतली सी पट्टी जो कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ती है, एकदम पतली सी पट्टी। यहीं पे आपका सिलीगुड़ी है, ठीक है। तो यहीं पे सिलीगुड़ी है, आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। अब इसी को काटने का जो वहां पे एक नाम सुना होगा, जब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो वहां पर एक शायद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के शायद स्टूडेंट थे, और उन्होंने कहा था कि इसको हमें काट देना है नॉर्थ ईस्ट से, ऐसा कुछ आया था बयान, आप लोगों ने सुना होगा। तो उसके ऊपर में शायद कुछ केस वेस हुआ है और वो शायद जेल वेल में बंद हो गए हैं। तो ये पॉइंट इसको समझिए, यहाँ पे आर्मी बहुत ज्यादा डिप्लॉय है, बहुत बड़े संख्या में डिप्लॉय है, चाइना को लेकर के और बांग्लादेश को लेकर के। तो ध्यान रखिएगा ये चिकन नेक है, बहुत पतली सी पट्टी से नॉर्थ ईस्ट हमसे जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाल के बाद हमारे पास आता है एक कंट्री है जिसका नाम है भूटान, सरजिन इमाम उसका नाम था, ठीक है। तो इसका नाम है भूटान। अब भूटान देखते हैं किन कौन कौन से कंट्री के साथ है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहां पे देखो असम, असम है, वेस्ट बंगाल के साथ भी देखो यहां चिकन नेक जुड़ा हुआ भूटान के साथ, तो वेस्ट बंगाल। तो आप यहां पे कौन कौन करेंगे भूटान के साथ, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, क्योंकि यह चिकन नेक है,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास म्यांमार आता है, जो कि हमने आपको पहले बता दिया कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, म्यांमार, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ है। बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है। अब हम देखते हैं कि बांग्लादेश के साथ भारत का कौन कौन से स्टेट जुड़े हुए हैं, वो देखिए, वेस्ट बंगाल, ठीक है, यहाँ पे असम, देखो यहाँ पे असम, यहाँ इस जगह पे असम है, इस जगह पे मेघालय, इस जगह पे मेघालय, गारो खासी जयंतिया यही आप जानते हैं, मेघालय, उसके बाद देखिए असम यहां पर भी है, त्रिपुरा, और त्रिपुरा, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा, एक असम, दो मेघालय, तीन त्रिपुरा, चार। तो पॉइंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और इस तरीके से आप जब देखना शुरू करते हैं तो अपने आप आपको स्टेट्स वगैरह ध्यान में आना शुरू हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन आपसे ये बना सकता है कि भारत से जो क्या बोलते हैं, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, मैं यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक बार खींच दूं, वो भारत के किस किस स्टेट से पास होती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप जानते हैं 23.5 इन है, ठीक है, और ये कैंसर है यानी कि कर्क रेखा है, कर्क रेखा, वो भारत के कौन कौन से स्टेट से पास होती है। तो देखो, गुजरात एक, मध्य प्रदेश कितने स्टेट है, तो 8 स्टेट है बेटा, 8 स्टेट। अब देख गिनती करते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश दो, राजस्थान तो एक, राजस्थान दो, गुजरात तीन हो गया, सीजी चार, छत्तीसगढ़ सीजी चार, झारखंड पांच, डब्ल्यूबी छह, ये क्या है त्रिपुरा सात, और ये क्या है मिजोरम आठ। यानी कितने स्टेट से पास होती है, 8 स्टेट से। स्टेट आप देख रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, एमपी, सीजी, जेएच, डब्ल्यूबी, और यहाँ पे त्रिपुरा और मिजोरम। अब इसको कुछ लोग गमछा झार पता नहीं कैसे कैसे करके रट्टा मारते हैं, वो सब कुछ नहीं करना है आप, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है मैप को, अपने आप ये सब तैयार हो जाएगा, गुजरात, एमपी, सीजी, झारखंड, डब्ल्यूबी, त्रिपुरा, मिजोरम। अगर आपको ट्रिक ही चाहिए तो देखिए, त्रिपुरा मिजोरम एक जगह है तो दोनों तो होगा ही होगा, एमपी से निकला है सीजी तो वो होगा ही होगा, गुजरात का राजस्थान का बिल्कुल छोटा भाग है तो गुजरात और राजस्थान हो गया काम खत्म, यहाँ पे झारखंड और वेस्ट बंगाल और आसपास है। तो ऐसे ऐसे आप पैकेट में बांध ले, गुजरात, राजस्थान, एमपी से निकला है सीजी तो एमपी सीजी, डब्ल्यूबी और झारखंड यानी कि झारखंड और वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, तो पैकेट में बांध ले, रट्टा नहीं मारे इस तरीके से और ट्रिक ना बनाए, ठीक है। चलिए, ये एक बात हो गया। अब आगे हम बात करते हैं, अगला हम लोगों ने कुछ और स्टेट्स के बारे में पीछे भी बात कर लिया है, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन दिया है जिसके बारे में, जो सामान्य परिचय के अंतर्गत आते हैं भारत के, और भी इन्फॉर्मेशन बहुत सारे हैं जो कि आगे पढ़ाते हुए, यानी कि भारत के जो ज्योग्राफी है उसको पढ़ाते हुए इन्फॉर्मेशन अपने आप आते हुए रहेंगे। आप कम से कम इतने इन्फॉर्मेशन को अपने पास रख लीजिए, ये भी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद फिर हम पढ़ाते हुए कुछ नई नई इन्फॉर्मेशन को आपके साथ ऐड करते हुए चलेंगे, कुछ नई नई बातें आपको याद करते हुए आपको बताते हुए चलेंगे। ध्यान रखिएगा, चूंकि ये एक शुरुआती क्लास था, एक शुरुआत था, तो इस वजह से मुझे कुछ बेसिक बातों पे बात करना जरूरी था। यहाँ पर कुछ बेसिक बातों से एग्जाम के क्वेश्चन भी बनते हैं, जो बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, और अगर ये क्वेश्चन आपसे छूट गया तो बड़ा मुश्किल होता है। इसमें एक और पॉइंट जोड़ लीजिएगा कि इसका कैपिटल याद रखना है हर स्टेट का, यूनियन टेरिटरी का, क्योंकि आपको कैपिटल याद रखना बहुत जरूरी है। कैपिटल का अगर क्वेश्चन पूछ दे और आपको ना आए, मान के चलो कि कैपिटल पूछ दिया और आप नहीं बना पाए, तो कितना बड़ा रिग्रेट आप महसूस करेंगे, आप घर पर आकर के सर फोड़ लेंगे, इतना ज्यादा आपको दुख होगा। तो कैपिटल जरूर ध्यान रखिएगा, यूनियन टेरिटरी का और स्टेट्स का। आपको परेशान करता है नॉर्थ ईस्ट के कैपिटल, मुझे पता है, और आपको परेशान करता है कुछ यूनियन टेरिटरी के कैपिटल, उसको लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सब हो जाएगा, आप बस पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। और समय के साथ हम यहाँ पे ज्योग्राफी आपको पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, तो हम सारे कैपिटल्स वगैरह भी बताते हुए आपको चलेंगे, ठीक है। बात करने वाले हैं भौतिक भूगोल के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे किस तरीके से भौतिक मैप यानी कि फिजिकल मैप कैसा होता है, और फिर उसी के साथ हम हिमालय के साथ आगे बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि भारत को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है, ये चीजें भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे। हाँ, इससे पहले आपने जरूर भारत के जो इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ाता हूँ, वहाँ मैंने पॉलिटिकल मैप लगाया था, जहाँ पे आप अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते थे कि कहाँ पे कौन सा स्टेट है, ठीक है। ये अलग बात है कि मैंने जो मैप लगाया था उस पर किसी स्टेट का नाम नहीं लिखा हुआ था, लेकिन
पढ़ाते समय हमने सारे स्टेट्स को वहां पे किसी न किसी रूप में कवर कर लिए थे। और मैंने आपको कहा था कि मैप के साथ जब तक आपको खेलना नहीं आ जाएगा, मैप के साथ आप इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना नहीं सीखेंगे, तब तक मैप आपका अपना नहीं बन सकता। ये बात मैंने आपको पिछले बताया था, आज भी मैं वही बात बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम मैप देखते हैं कि फिजिकल मैप क्या होता है, वो आप देखिए। ये फिजिकल मैप है, यहां पर भी आपको कोई स्टेट की बाउंड्रीज दिखाई नहीं देगी। आपको क्या दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बताया था। ऊपर में आपको दिख रहा है काराकोरम लद्दाख और जास्कर का रेंज, पीर पंजाल का जो पूरा हिमालय का रेंज है, फिर प्लेन है, इंडो गंगेटिक प्लेन है, डेजर्ट है, अरावली है, बुंदेलखंड है, विंध्यन है, सतपुरा है, ये सारा चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगा इस मैप में। यहाँ पर भी कोई स्टेट नजर नहीं आएगा। तो अगर आपका पॉलिटिकल मैप अच्छा है, आप अगर पॉलिटिकल मैप के साथ बहुत ज्यादा फैमिलियर है, तो यहाँ पे क्या है, फिजिकल मैप में आप पहचान लेंगे कि ये कहाँ पे कौन सा है, ठीक है। नहीं तो फिर इसको पढ़ना होगा कि हाँ विंध्यन रेंज एमपी में है, यहाँ का मैक्सिमम पार्ट एमपी में है, जो कि आपको कहाँ तक चली जाती है, छोटा नागपुर के पठार तक, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं छोटा नागपुर प्लाटेऊ। तो ये चीजें सिर्फ आपको फिर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मैप के साथ रूबरू है तो आप यहीं पर देख करके अंदाजा लगा सकते हैं, हाँ यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, ठीक है। तो मैप के साथ आप खेलना शुरू कर दीजिए। अब ये भी एक इन्फॉर्मेशन है जो जिसको आप मैप पर सजा सकते हैं, मैप पर ढूंढ सकते हैं। चलिए, भौतिक भूगोल है। भौतिक भूगोल में आपको पहाड़, पर्वत और नदियां मिलेंगी, जो कि आप देख रहे हैं यमुना है, गंगा है, चंबल वगैरह है, सब नदियां वगैरह यहां पर दिख रहा हो। जब फिजियोग्राफी की बात करते हैं, हम भारत के यानी कि भारत के भौतिक बंटवारे की बात करते हैं, तो हम 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांटते हैं, 6 भौतिक बंटवारों में बांटते हैं। वो 6 कौन कौन सा है, अगर हम उसके बारे में बात कर ले, तो सबसे पहला आपको दिख रहा है नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, यानी कि उत्तरी जो पर्वतीय क्षेत्र है वो। हिंदी वाले बच्चे बड़े आराम से, है ना, भारत के हम भौतिक बंटवारे के बारे में बात कर रहे हैं। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, अगर उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को देखो तो ये आपका उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है, यहां से यहां तक उत्तरी, नॉर्थ एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न दोनों बात यहाँ पे हो रही है। तो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र ये यहाँ पे पहला भौतिक बंटवारा है जो आपकी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे इस तरीके से लाइन भी खींच रहा हूं ताकि आपको भौतिक बंटवारा के बारे में पता भी चल रहा है। दूसरा आपका बंटवारा क्या है, नॉर्दर्न प्लेन, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको प्लेन बांट देता हूं। देखो ये जो आपका पॉइंट है, ये यहाँ पे जो दिख रहा है, ये नॉर्दर्न प्लेन है, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन है, ये उत्तरी मैदान है, विशाल उत्तरी मैदान। उसके बाद पेनिनसुलर प्लाटेऊ, जब हम प्लाटेऊ की बात करते हैं तो ये सारे प्लाटेऊ है। यहाँ पर देख लो, बुंदेलखंड को लेकर ले लीजिए, या फिर सतपुरा का ले लीजिए, यहाँ पर नीचे में डेक्कन प्लाटेऊ है, तो ये प्लाटेऊ का रेंज है जिसको प्रायद्वीपीय भारत एंड पेनिनसुलर इंडिया की बात करते हैं। तो ये सारा का नीचे का जो पार्ट है पेनिनसुलर इंडिया का, वो पेनिनसुलर प्लाटेऊ के अंतर्गत हम उसको रख लेते हैं, पेनिनसुलर प्लाटेऊ के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं, इंडियन डेजर्ट, यानी कि हम लोग थार मरुस्थल के बारे में बात करेंगे। तो ये देखो, ये है आपका थार मरुस्थल जो राजस्थान में है, यहाँ पर दिख रहा है थार मरुस्थल। तो ये एक चौथा जो हमारा फिजियोग्राफी में जो डिवीजन है उसकी बात कर रहे हैं, चौथा। उसके बाद है कोस्टल प्लेन। तो ये देखो, आपने पहले नॉर्दर्न प्लेन देखा, अब यहां पे कोस्टल प्लेन। तो जरा कोस्टल प्लेन को हम यहां पे देख लो, ये कोस्टल प्लेन है, यानी कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये, और ये यहाँ पे जो दिख रहा है ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। देखो यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, लेकिन वेस्टर्न घाट के बाद जो मैदानी इलाका है, दैट इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। और यहां पर जो आपको दिख रहा है, यहां पर ये मैदानी इलाका जो डेल्टाई रीजन वगैरह भी है, दैट इज कॉल्ड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये जो डेल्टा रीजन है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, दैट इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये दोनों बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। एंड द लास्ट वन इज आइसलैंड, यानी कि हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, द्वीपों के बारे में। तो आपको देखिए हमारे पास क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, और इधर पर लक्षद्वीप आइलैंड है ये। तो हम इसके बारे में बात कर लेंगे, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड। और भी कुछ आइलैंड्स हैं हमारे पास में, जैसे कि क्या बोलते हैं, गुजरात के पास कुछ आइलैंड है, वेस्ट बंगाल के पास कुछ आइलैंड है, न्यू मूर आइलैंड जैसे, तो हम उसके बारे में बात कर लेंगे। लेकिन आइलैंड्स को हम एक कैटेगरी में रखे हैं, और मोटा मोटी हम 2 आइलैंड्स के बारे में मुख्य रूप से बात करेंगे, दैट इज अंडमान एंड निकोबार, पूरा का पूरा आइलैंड का एक समूह है, और लक्षद्वीप, ये भी एक पूरा का पूरा आइलैंड का एक समूह है, जहाँ 36 आइलैंड है, इसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो ये 6 फिजियोग्राफी जो डिवीजन है भारत का, 6 भागों में जो हमने बांटा है, वो हमने आपको दिखाया, द वेरी फर्स्ट वन, द सेकेंड वन, द थर्ड वन पूरा, द फोर्थ वन
ये दोनों फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है, ये दोनों सिक्स है, ठीक है। तो छह भागों में बांटा। अब इस छह भागों में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पहले भाग का, दैट इज नॉर्दर्न माउंटेन या नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन के बारे में, यानी कि हम बात करेंगे हिमालय के बारे में और ट्रांस हिमालय, हिमालय और जो ईस्टर्न पार्ट है जहां पे आप देख रहे हैं डाफला, मिसमी, पटकाईबूम, मिकिर, नागा, ब्रैल, मिजो, गारो, खासी, जयंतिया वगैरह का जो पहाड़ी है उसके बारे में बात कर लेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं हिमालय के बारे में, ठीक है। हिमालय के बारे में जब शुरू करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर आपको दिख रहा है जो हिमालय का पूरा एक एक मैंने क्या बोलते हैं मैप रखा हुआ है सामने में हिमालय का, जिसमें ट्रांस हिमालय इंक्लूड है, ठीक है। इस हिमालय के मैप को हम चाहेंगे अलग अलग कलर से करना, ठीक है। तो आप लोग उस कलर को थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर ना दिखाई दिए तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि तेजी से करने का, ठीक है। ये है आपका ट्रांस हिमालय, जहां पर हमने रेड लाइन का एक लाइन खींच दिया है, ये ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय। हालांकि मुझे हिमालय की उत्पत्ति से चीजों को शुरू करना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा एक एक इंट्रोडक्शन के टाइप में कुछ दे दूं, उसके बाद फिर हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ये ट्रांस हिमालय है और एक मैं ब्लू कलर से करता हूं, यहां पे देखो, यहां से लेके चलता हूं, ठीक है, यहां से लेके चलता हूं और ये जो पार्ट है यहां पे, ये महान हिमालय का पार्ट है जो यहां पे आपको दिख रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये महान हिमालय का पार्ट है, नंगा पर्वत से लेकर के नमचा बड़वा तक, नंगा पर्वत से लेकर नमचा बड़वा, और यहाँ पे मैं नमचा बड़वा लिख ही देता हूँ, ठीक है, नमचा बड़वा, इसका चूंकि हम यहाँ पे काम करने वाले हैं तो इसलिए हम इसको लिखना जरूरी है, नमचा बड़वा, और ये है नंगा पर्वत जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो नंगा पर्वत से लेकर नमचा बड़वा तक हम यहाँ पे हिमालय के बारे में बात करने वाले हैं आपके साथ। अब चलिए, अब चलते हैं ओरिजिन ऑफ हिमालय के बारे में। तो यहां पे लिख देता हूं मैं ओरिजिन ऑफ द हिमालय। हिमालय की उत्पत्ति को लेकर के, हिमालय की उत्पत्ति को लेकर के जो सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है, यानी कि मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी, वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये जो भी चीजें हैं आपको सब लिखा हुआ मिल जाएगा, आप बस सिर्फ हमें सुनिए, कंसेप्ट को समझिए और चीजों को एकदम तरीके से व्यवस्थित कर लीजिए अपने दिमाग में, अपने नोट्स में, ठीक है, लिखा हुआ आपको सब मिल जाएगा। हिमालय का जो सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात करते हैं तो हमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दोनों को एक साथ एक वीडियो में पढ़ाया है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय अल्फ्रेड बेगनर और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बाय हैरी हैस, ये दोनों को एक साथ पढ़ाया, और मैंने कहा है कि किस तरीके से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का ही मॉडर्न रूप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है और एक तरीके से उसको प्रूफ करता है। अब जरा देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से हिमालय का निर्माण, ठीक है। मैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कॉन्सेप्ट को बताते हुए हिमालय के निर्माण बताऊंगा, ये रिवीजन भी आपका हो जाएगा और एक नई चीज भी आपको पता चल जाएगा। हालांकि हिमालय के निर्माण में उसी समय बता दिया था जब हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी आपको बता रहे थे, फिर भी देखिए कहते क्या है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वाले कि बहुत बड़े बड़े प्लेट है और बहुत छोटे छोटे प्लेट है, तो बड़े बड़े प्लेटों की संख्या उन्होंने छह बताया, कहीं कहीं सात मिल जाता है, छह या सात बताया, मुख्य रूप से आप सिक्स मान सकते हैं क्योंकि अमेरिका को वो अमेरिका कह देते हैं और बहुत सारे किताबों में नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अलग अलग कहते हैं प्लेटों में, और वो है भी अलग अलग, ठीक है ना, क्योंकि साउथ अमेरिका जहां गोंडवाना लैंड का है, नॉर्थ अमेरिका वहां अंगारा लैंड का, तो उसको एक प्लेट हम नहीं कह सकते, दो प्लेट ही होगा। तो सात प्लेट मुख्य रूप से है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट तीन हो गए, यूरेशियन, यूरोप प्लस एशियन प्लेट चार हो गए, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये पांच हो गए, अंटार्कटिका प्लेट, पैसिफिक प्लेट, तो ये इस तरीके से सात बड़े बड़े प्लेटों की बात करते हैं। उसमें से जो ये बताया हुआ है, बस ये रिवीजन चल रहा है, ठीक है, उसमें से जो यूरेशियन प्लेटें की हम बात करें तो जरा यूरेशियन प्लेट को हम एक बार बनाते हैं, ठीक है, ये यूरेशियन प्लेट है, मान के चलिए कि ये जो मैं बनाया हूं ये यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, लिख देता हूं मैं यूरेशियन प्लेट, ये लिख दिया मैंने, ये यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। और जैसा कि आपने देखा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, या आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ते हुए पाया है कि इंडियन प्लेट किससे टूटा है, तो इंडियन प्लेट टूटा है अफ्रीकन प्लेट से, और चूंकि वो साउदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट था इंडियन प्लेट, और अफ्रीकन प्लेट से टूट करके ड्रिफ्ट होकर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आया। फिर से बताऊं, इंडियन प्लेट साउदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट था यानी गोंडवाना लैंड का पार्ट, और वो ड्रिफ्ट होकर के
क्या बोलते अफ्रीकन प्लेट से टूटा मेडागास्कर के पास और ड्रिफ्ट होकर के कहां आया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में आकर के वो शिफ्ट हुआ। तो जब उत्तरी गोलार्ध में आया तो यहां पे मैं लेके आता हूं इंडियन प्लेट को। मान के चलिए कि उत्तरी गोलार्ध में इंडियन प्लेट कुछ इस तरीके से आया, ठीक है। जब उत्तरी गोलार्ध में इंडियन प्लेट आया तो यहां पे यूरेशियन प्लेट को धक्का मारा। ऐसा नहीं कि आके मिल गया कि हम कुंभ के पिछड़े हुए भाई हैं, भाई मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो आकर के धक्का मारता है ऐसे। जब धक्का मारता है तो चूंकि आप जानते हैं कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से कन्वर्ज होते हैं यानी कि एक दूसरे से मिलते हैं तो जो हल्की प्लेट है ऊपर की तरफ उठ जाती है और जो थोड़ी भारी प्लेट है वो सबड्यू हो जाती है, नीचे की तरफ चली जाती है। तो यहां पर क्या हुआ कि इंडियन प्लेट यहां पे सबड्यू होती है यानी कि नीचे की तरफ चली जाती है, नीचे की तरफ मुड़ जाती है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में उठाव होता है। अब यहां पे ये तो हो गई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यहीं पे आता एक जियोसिंक्लाइन थ्योरी बाय कोबर, यानी कि भूसन्नति जो कोबर ने दिया था थ्योरी सिद्धांत, वो क्या कहते हैं और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है, इस दोनों को मिलाकर के चीजों को समझने की शुरू कीजिए। जहां पे भारतीय प्लेट आकर के यूरेशियन प्लेट को धक्का मारती है, चूंकि यूरेशियन प्लेट का ही एक हिस्सा हुआ करता था, यहां पे था टेथिस सी, ये समझ लो ये टेथिस सी है, मैं यहां पे लिख देता हूं टेथिस सागर या टेथिक भू सन्नति, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये टेथिस सागर का हिस्सा था और ये इंडियन प्लेट कर लीजिए या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट को धक्का मारता है और ये टेथिस सागर यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है क्योंकि यूरेशियन का यहां पर तिब्बत पहले से बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहां पे तिब्बत, कभी कभी तिब्बत का प्लेट कहा जाता है कि तिब्बत के प्लेट को इंडियन प्लेट जाके धक्का मारा, या कभी कभी चाइनीज प्लेट कह दिया जाता है कि चाइनीज प्लेट को इंडियन प्लेट धक्का मारा, वो दरअसल यूरेशियन प्लेट का ही हिस्सा है। चूंकि तिब्बत या चाइनीज कह देते हैं तो उसको आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, वहां पर आप दिक्कत नहीं होगा। और चूंकि दोनों बात मैंने यहां पर बता दिया कि इसको कभी कभी तिब्बत का प्लेट या कभी कभी चाइनीज प्लेट कह दिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कंसर्न करेंगे कि हाँ इसको तिब्बत प्लेट भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि तिब्बत पहले से बना हुआ स्थलाकृति था, वो अंगारा लैंड का पार्ट था और ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ये आकर के ड्रिफ्ट होकर के नॉर्थ इंडिया में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पहुंचे हैं भारत, ठीक है। तो यहां पे अब चूंकि टेथिस सागर वो भी अंगारा लैंड यानी कि प्राचीन जो अंगारा लैंड है उसका पार्ट था और यहां पे बहुत सारे मलबे जो नदियों के द्वारा, पर्वतों के द्वारा, कैसे भी बहुत सारे मलबे यहां पे जमा हुआ था, बहुत सारा मलबा यहां पे क्या था, जमा हुआ था। मैं दूसरे कलर से मलबा को कर दूं, ठीक है, बहुत सारे मलबा यहां पे जमा हुआ था टेथिस सागर में। और जब इंडियन प्लेट आकर के यहां पे धक्का मारता है तो क्या होता है कि टेथिस सागर का मलबा मुड़ जाता है, टेथिस सागर का मलबा मुड़ता है कुछ इस तरीके से और यहां पे टेथिस सागर समाप्त हो जाता है। और उसका मलबा, अब टेथिस सागर समाप्त होता है तो क्या होता है, एक नई जो पानी की धारा इधर उधर बह करके ओशियन में चला जाता है और टेथिस सागर के जगह पे क्या निर्माण हो जाता है, एक माउंटेन का निर्माण हो जाता है टेथिस सागर पे। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि टेथिस सागर के मलबे के जगह पे हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है, ये बात हमने बना थी कि हिमालय बना टेथिस सागर के मलबे के जगह पे। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हिमालय का निर्माण कौन से सागर पे हुआ, तो टेथिस सागर पे। अब यहां पे देख रहे हैं कि हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है, टेथिस सागर पे। अब टेथिस सागर तो वहां समाप्त हो गया लेकिन ये एग्जाम का क्वेश्चन बना रह गया कि हिमालय का निर्माण किस जगह पे हुआ, टेथिस सागर पे, ठीक है। अब चूंकि मैंने आपको कहा था कि जब इंडियन प्लेट यहां पे सबड्यू हुई है तो यहां पे देखो, यहां पे नीचे की तरफ गए हैं जिसको बेनियोफ जोन कहते हैं, जहां नीचे की तरफ जाते हैं उसको बेनियोफ जोन कहते हैं। ये प्लेटें हैं और यहाँ पे धक्का लगने के बाद नीचे की तरफ गई, तो ये बेनियोफ जोन है। तो यहां पर जो नीचे की तरफ गई, मैं थोड़ा सा चीजों को हल्का सा मिटा दूं यहाँ पे, ठीक है, ये जो नीचे की तरफ गई, ठीक है, तो यहां पे गड्ढा बन गया, ट्रेंच, मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे ट्रेंच बन गया, ट्रेंच। तो यहां पे देखो, ये यूरेशियन प्लेट यानी कि यूरोप, चाइना, सॉरी रशियन, हाँ रशिया, यूरोप, चाइना, तिब्बत, ठीक है, यूरोप प्लस एशिया सब हो गया, उसके बाद हिमालय, गड्ढा, भारत,
समझ में आ रहा है। अब ये जो ट्रेंच है, जो गड्ढा है, ये सदियों तक नदियों के द्वारा इसमें डिपोजिशन यानी कि इसमें डिपोजिशन होते गया, इसमें अवसाद को भरते गया, नदियों के द्वारा लाए गए सिल्ट वगैरह जिसको बोलते हैं उसको भरता गया। कौन कौन से नदी इसमें मुख्य रूप से है? तो ये इसमें मुख्य रूप से आपका सिंधु, इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां, ये हम आगे पढ़ लेंगे। तो उसके द्वारा भरते गया और ये ट्रेंच भर करके आगे चल करके क्या कहलाया? आगे चल करके कहलाया द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। तो जरा मैप को आप अपने मन में बैठाइए, ये यूरोप, ये आपका हिमालय, ये आपका ट्रेंच जहां आजकल प्लेन है, जो कि आप राजस्थान से लेकर के और बिहार पश्चिम बंगाल तक के प्लेन देखते हैं मैदान, और नीचे में पेनिनसुलर इंडिया, और ये है पेनिनसुलर इंडिया। मैप को समझिएगा। तो हिमालय का निर्माण समझ में आ गया कि इंडियन प्लेट आकर के यूरेशियन प्लेट को धक्का मारती है, टेथी सागर पे मलबा जमा हुआ होता है, वो मलबा हिमालय के निर्माण के रूप में, हिमालय के रूप में फॉर्म हो जाता है। चूंकि धक्का लगने के बाद ये डिस्ट्रक्टिव प्लेट है, क्योंकि कन्वर्ज हुआ है ना, तो कन्वर्ज होने के बाद प्लेटें क्या होती है? डिस्ट्रक्टिव होती है। टेक्टोनिक थ्योरी याद रखिए, तो जब दो प्लेटें आपस में मिलती है तो ऐसे जाकर के सिर्फ मिलने नहीं थे, गले की तरह वो डिस्ट्रक्ट करते हैं, चीजों को तोड़ते हैं, तो तोड़ने मोड़ने के कारण ये फोल्ड होता है, तो इसको हम बोलते हैं फोल्ड, ठीक है। चूंकि फोल्ड हो गया और फोल्ड होने के बाद एक क्या बना दिया? माउंटेन, तो इसको बोलते हैं माउंटेन। तो ये हो गया क्या? फोल्ड माउंटेन हो गया, और इसका नाम हम लोगों ने क्या रखा? हिमालय। तो ये हो गया आपका हिमालय। तो हिमालय क्या है? हिमालय क्या है? एक फोल्ड माउंटेन है। ठीक उसी तरीके से अमेरिका वाले पढ़ते होंगे रॉकीज, और साउथ अमेरिका वाले पढ़ते होंगे इंडीज, यूरोप वाले पढ़ते होंगे एल्प्स, ठीक उसी तरीके से। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये फोल्ड माउंटेन है, हिमालय है, और चूंकि हिमालय की लंबाई अभी भी बढ़ रही है, जैसा कि आप जानते हैं कि हिमालय की लंबाई आज भी क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन, यानी कि नवीन बलित पर्वत बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नवीन बलित पर्वत। ये आपके हिमालय के उत्पत्ति के बारे में एक पॉइंट था जो हमने आपके यहाँ पे शेयर किया, और साथ साथ हमने आपको प्लेन का भी एक छोटा सा पॉइंट बता दिया कि किस तरीके से भारत के नॉर्दर्न प्लेन ट्रेंच के जगह पे बना है, यानी कि गड्ढा था वहां पे नॉर्दर्न प्लेन बन गया है। आप यहाँ पे मैप हम आपको दिखाते हैं और इस बात को बताते हैं मैप से, एक और दूसरी बातें, और भी कुछ बातें हिमालय के बारे में बताना हम शुरू करते हैं, फिर आपका जो नोट्स होगा रिटेन में वो देखते हैं क्या क्या है। इसको आप बना लीजिएगा, इसको आप फिगर फोर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये प्लेन का एरिया बेटा जो ट्रेंच बना है, क्योंकि जब भी दो प्लेटें टकराती है, एक जगह ट्रेंच बनेंगे, दूसरी जगह क्या बनेंगे? पहाड़ बनेंगे। ये ऊपर में पर्वत बना है, ये प्लेट है यूरेशियन, ये है इंडियन प्लेट जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, और ये सारा पॉइंट, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं अब चलता हूं मैप पे। जब हम मैप पे चलते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ, तो हम क्या देखते हैं वो देखिए, ये है आपका चाइना का या तिब्बत का प्लेट जिसको यूरेशियन प्लेट कहा, पहले से बना हुआ। ये भी काराकोरम वगैरह सब, ये सब पहले से बना हुआ, बात को समझिए, पहले से बना हुआ है। और ये है हमारा पेनिनसुलर इंडिया। मैं यहाँ पे जरा सा, मैं किसी को डिलीट नहीं करूंगा, जो भी चीजें मैंने बनाया है बस हम आपको उसी में दिखाने कोशिश करेंगे। और ये है हमारा क्या, देखो ये अरावली से लेकर के ये जो आपको दिख रहा है, ये अरावली से लेकर के ये, और ये नीचे, ये है हमारा इंडियन प्लेट, इसका नीचे, जिसको हमने कहा कि यही प्लेट ड्रिफ्ट होकर के आया है, जो अफ्रीकन प्लेट से टूटा। अफ्रीकन प्लेट से कहाँ टूटा? वेस्टर्न भाग में। ये सारी बातें हम पहले बता चुके हैं, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट से टूटा, वेस्टर्न घाट से। तो यहाँ से टूटा और ड्रिफ्ट हुआ नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फीयर से, दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ। और जब ये इंडियन प्लेट ड्रिफ्ट हुआ तो यहाँ पे पहले से यूरेशियन प्लेट, जिसको चाइनीज या तिब्बत का प्लेट कहते हैं, मौजूद था, और इसको आके धक्का मारा। और इस जगह पे जहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेथी सागर था, यहाँ पे हिमालय का निर्माण हो गया, यहाँ पे हिमालय का, ऐसे हिमालय का निर्माण हो गया, ऊपर वाला नहीं, ऊपर तो फिर हम चले जाएंगे, यहाँ हिमालय का निर्माण हो गया। और चूंकि मैंने कहा था कि दूसरा क्या बना? गड्ढा। तो जब दूसरा गड्ढा बना, तो ये देखो, ये पॉइंट यहां से देखो, यहां पे ये प्लेन है,
प्लेन। तो ये प्लेन बना, और ये प्लेन कैसे बना, चूंकि ये गड्ढा था तो नदियों के द्वारा, जैसा आप देख रहे हैं कि ये इंडस है, ये गंगा है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र है, इन नदियों के द्वारा लाकर के डिपॉजिट किया गया सिल्ट को सदियों लाखों करोड़ों वर्षों तक, तब जाकर के ये राजस्थान से लेकर के और वेस्ट बंगाल तक प्लेन का निर्माण हुआ। ठीक है, तो जो फिगर मैंने आपको वहां बताया था वो फिगर यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, यूरेशियन प्लेट, हिमालय, ट्रेंच, गड्ढा जहां पे प्लेन बन गया, और ये हमारा इंडियन पेनिनसुला जो कि प्लेट है, जो ओरिजिनल प्लेट जो ड्रिफ्ट हो गया है। बात समझ में आ गया, ओरिजिन ऑफ हिमालय बड़े सिंपल शब्दों में, कोबर और प्लेट टेक्टोनिक हैरी हैस दोनों को मिला के। चलिए अब हमारा काम यहाँ पे खत्म होता है ओरिजिन ऑफ हिमालय के बारे में, अब हम सीधे सीधे हिमालय के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे आपके सामने में। तो जैसा कि हमने आपको कहा कि ये नंगा पर्वत से लेकर के, जरा मैं आपको कलर चेंज कर दूं, हिमालय जो है नंगा पर्वत से लेकर के, यहाँ पे नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत से लेकर के कहां तक फैला हुआ है हिमालय, तो नमचा बरवा तक फैला हुआ है हिमालय, नंगा पर्वत से लेकर नमचा बरवा तक, ये आपका नंगा पर्वत से नमचा बरवा तक हिमालय फैला हुआ है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे नमचा बरवा, नमचा बड़वा तक, ठीक है। और ये जो ऊपर का पार्ट है ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हिमालय की उत्पत्ति की बात कर लिए, अब हिमालय के बारे में कुछ और पॉइंट, ठीक है, अभी हम हिमालय पढ़ा नहीं रहे, कुछ जो कॉमन पॉइंट्स है वो हम शेयर कर रहे हैं। तो ये कहां से कहां तक फैला है, नंगा पर्वत से लेके नमचा बरवा तक फैला हुआ है। नंगा पर्वत आपकी जम्मू एंड कश्मीर में है, और नमचा बरवा आपका कहां है, तिब्बत में है, यानी कि चाइना में है, ठीक है, हो गया एक। दूसरा पॉइंट, हिमालय की जो टोटल किलोमीटर है, टोटल किलोमीटर वो 2400 किलोमीटर है, किसी किसी किताब में 2500 किलोमीटर है, हम यहाँ पे आपको 2400 किलोमीटर बता रहे हैं कि हिमालय का टोटल जो लंबाई है वो कितना है, 2400 किलोमीटर है। जब हम चौड़ाई की बात करें हिमालय का, यानी कि तीनों हिमालय की बात करें, हिमालय को तीन भागों में बांटते हैं हम जानते हैं, पहला हो गया, जरा दूसरा मैं यहाँ पे दूसरे कलर से कर दूं, ठीक है, दूसरा दूसरे कलर से करूंगा, ठीक है, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, मैं जानबूझ करके इस तरीके से कर रहा हूं ताकि आपको खूब अच्छे से दिखाई दे कि पहला और दूसरा पार्ट। तो ये दूसरा हिमालय है, यानी कि पहला वाला महान हिमालय है और दूसरा वाला मिडिल हिमालय है, ठीक है, और उसके बाद तीसरा को हम तीसरे कलर से कर देते हैं, यानी कि इसको हम आउटर हिमालय कहते हैं, और ये सबसे बाद का हिमालय है जो हम येलो कलर से बना रहे हैं, सबसे बाद का हिमालय है, ठीक है, सबसे बाद का हिमालय है। चलिए तो ये यहां पे हो गया आउटर हिमालय, तीनों तीन कलर के हिमालय हो गए यहां पे, ठीक है। तीनों कलर के हिमालय के अगर हम ब्रिथ यानी कि इसके चौड़ाई की बात करें तो हम क्या पाते हैं कि इसका चौड़ाई लगभग 200 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर के बीच में है। तो लेंथ ये था, ये लेंथ था, ठीक है, मैं यहां पर कर दू, ये लेंथ था, और जब हम विड्थ की बात करते हैं तो वो लगभग 200 किलोमीटर से लेकर के 350 किलोमीटर के बीच में इसका चौड़ाई है, 200 किलोमीटर से साढ़े चौड़ाई, ठीक है, ये बात हो गई। हिमालय को आप देखते रहिए, मैं आपको कुछ कुछ बातें बताते चलता हूँ, ठीक है। हिमालय को जब हम देखते हैं या इसके बनावट को जब हम देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि ये कॉन्वेक्स है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, हालांकि फिजिक्स का टर्म है लेकिन इसका शेप कैसा है, कॉन्वेक्स है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि इसका शेप है कॉन्वेक्स, यह क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो इसमें कभी मन में विचार मत लाइए कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स ही आया है, आंसर भी कॉन्वेक्स ही होगा। तो हिमालय का शेप कैसा है, कॉन्वेक्स है, इस बात को समझिएगा ये पॉइंट अच्छे तरीके से। चलिए एक दूसरा पॉइंट जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो ये है कि हिमालय पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में जब आप देखते हैं तो ज्यादा चौड़ा है। आप देखिए पश्चिमी भाग में हिमालय कितना है, ज्यादा चौड़ा है पश्चिमी भाग में, लेकिन जब हम बात करते हैं पूर्वी भाग की तो यहाँ हिमालय कम चौड़ा है।
तो वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अपने कॉपी में, हालांकि सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, कि पश्चिमी भाग का हिमालय पूर्वी भाग के हिमालय से ज्यादा चौड़ा है। तो वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय वाइडर देन ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय, पूर्वी भाग के हिमालय कम चौड़ा है, संकरा है, यानी कि जाकर के यहाँ पर मिल गया ऐसे देखिए, और यहाँ पर देखिए कितना ज्यादा चौड़ा है, ठीक है। तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय वाइडर देन ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट यहां पर क्या है कि जो ईस्टर्न पार्ट का हिमालय है वो क्या है, ज्यादा ऊंचा है कंपैरिजन टू वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय। अब इसको मैं हिंदी में बोलता हूं कि जो पूर्वी भाग है हिमालय का वो पश्चिमी भाग के हिमालय से ज्यादा क्या है, ऊंचा है। जैसे एग्जांपल बताते हैं, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये जो आप पीक देखते हैं जो वर्ल्ड हाइएस्ट पीक है, हालांकि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पीक है, कंचनजंगा भी वन ऑफ द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है, ये सारे आपको पूर्वी हिमालय में पाए जाएंगे। पश्चिमी हिमालय में भी बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत है, लेकिन इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न हिमालय ये पर्वत की ऊंचाई कम है, इसलिए कहते हैं कि ईस्टर्न हिमालय हायर देन, यानी कि ऊंचाई में वेस्टर्न हिमालय, ठीक है, हायर देन द वेस्टर्न हिमालय। तो दो बातें ध्यान में रखिएगा कि पश्चिमी हिमालय ज्यादा चौड़ा है, पूर्वी हिमालय कम चौड़ा है, पश्चिमी हिमालय कम ऊंचा है, पूर्वी हिमालय ज्यादा ऊंचा है। लेमन की भाषा में हमने बात कर लिया, कन्वेक्स की बात कर लिए थे हम लोगों ने, ट्रांस हिमालय की बात अभी हम लोग शुरू नहीं कर रहे, हिमालय के पार्ट में बस हिमालय के बारे में बात करते चले जा रहे हैं। तो लंबाई बता दिया हमने, चौड़ाई बता दिया, ये सारे बातें हो गई, कहां से कहां तक फैला है ये बातें भी हम लोगों ने कर लिया। किसी किसी किताब में आप ये भी पढ़ सकते हैं इनके फैलाव के बारे में, जो मैं आपको मैप के सहारे से बता सकता हूं। किसी किसी किताब में पढ़ेंगे कि ये जो सिंधु नदी का ट्रेंच है, सिंधु नदी की जो गॉर्ज है, सॉरी यहां पे ट्रेंच शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, गॉर्ज शब्द का प्रयोग करेंगे। तो सिंधु नदी का जो गॉर्ज है, यहां पर देखो, यहां पे इस जगह पे ये सिंधु नदी भारत को क्रॉस करके पाकिस्तान में जा रही है, तो सिंधु नदी के गॉर्ज से लेकर के, और यहां पे जो एक और गॉर्ज देखेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी का, वो भी मैं आपको बता रहा हूं, जो कि यहां पर देखो किस तरीके से ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में इंटर कर रही है। देखो ये ब्रह्मपुत्रा है, अगर आपको कलर दिख रहा होगा तो ये ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है, यहाँ पे देखो, और यू टर्न लेकर के भारत में इंटर किया अरुणाचल प्रदेश से, और यहाँ पे सिंधु है किस तरीके से, देखो भारत से बाहर निकल रहा है और पाकिस्तान में जा रहा है। तो जहां पे भारत से बाहर निकल रहा है वो वहां पे गॉर्ज बना रहा है, क्योंकि हिमालय को काट करके वो मैदानी भागों में जा रहा है, तो यहाँ पे एक गॉर्ज बना रहा है। तो इंडस के गॉर्ज से लेकर के ब्रह्मपुत्रा के गॉर्ज तक हिमालय का फैलाव है, ये बातें भी बहुत सारी किताबों में आपको मिल जाएगा। तो जब ये बातें मिलेगा तो परेशान नहीं होंगे, इसलिए परेशान नहीं होंगे क्योंकि मैप पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इंडस एक गॉर्ज बना रही है और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र एक गॉर्ज बना रही है, जब भारत में इंटर करती है और जब भारत से इंडस एग्जिट करता है। तो ये पॉइंट भी आप अपने गौर से देख लीजिएगा। तो ये दो बातें बता दी यहाँ पे फैलाव के बारे में, कि नंगा पर्वत से लेकर के नमचा बड़वा भी और इंडस टू ब्रह्मपुत्रा के गॉर्ज भी, ये भी बात हमने बता दिया। बड़ा धीरे धीरे बड़े आराम से बता रहा हूँ, गौर से सारे पॉइंट्स को आप अपने कॉपी में, हालांकि लिखा हुआ मिल जाएगा लेकिन समझिए, और पेन आपका चल रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि जब लिखा हुआ हम आपको बताएंगे तो समय पहले से आपका लिखा हुआ होगा, सिर्फ आपको रिविजन करना होगा, और अगर कुछ एक्स्ट्रा बता गए हैं तो वहां पर आपको नोट कर लेना है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हिमालय के बंटवारा को लेकर के, हिमालय के पार्ट को लेकर के। जब हम वीडियो की शुरुआत करें तो हमने बताया था कि हिमालय को दो तरीके से हम बंटवारा करेंगे। एक पहला बंटवारा होगा जिसमें हिमालय के फॉर्मेशन के आधार पर उसको बांटेंगे, महान हिमालय, मिडिल हिमालय, आउटर हिमालय। ये फॉर्मेशन के आधार पर है कि महान हिमालय पहले बना, फिर मिडिल हिमालय बना, फिर आउटर हिमालय बना। और दूसरा बंटवारा हमारा होगा लेंथ के हिसाब से, यानी कि हम ये देखेंगे कि इंडस नदी से लेकर के सतलज नदी के बीच में जो हिमालय उसको क्या कहा जाता है, जैसे कश्मीर या पंजाब हिमालय कहा जाता है, उसके बाद सतलज नदी से काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है, काली से तिस्ता के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है, और तिस्ता से सतलज के हिमालय के बीच को, सॉरी तिस्ता से ब्रह्मपुत्रा के हिमालय को क्या कहा जाता है। तो ये बंटवारा के दो आधार है, एक है उत्तर से दक्षिण की तरफ और दूसरा है पश्चिम से पूर्व की तरफ। ध्यान रखिएगा दो तरीके का बंटवारा है, उत्तर से दक्षिण जहां हिमालय, महान हिमालय, मिडिल हिमालय, आउटर हिमालय करेंगे, और जब पश्चिम से पूर्व की तरफ पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, नदियों के आधार पर इसको बांटेंगे, लंबाई के आधार पर। तो पहला बंटवारा का आधार आज हम कर लेते हैं, दूसरे बंटवारा का आधार हम दूसरे वीडियो में करेंगे, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जब हिमालय को हम बांटते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हिमालय के बंटवारा, तो उसमें हम लोग चार चीज पढ़ते हैं,
कंफ्यूजन और उसको ठीक करना, ये दोनों हम साथ साथ लेके चल रहे हैं, इसलिए कभी भी एग्जाम में कंफ्यूज होके मत जाइएगा। पहले हम ठीक करते रहेंगे और चीजों क्यों ऐसा पढ़ते वो भी बताते हुए चलेंगे। तो उसको हम चार बंटवारा में पढ़ते हैं। पहला बंटवारा होता है हमारा ट्रांस हिमालय, दूसरा बंटवारा होता है हमारा महान हिमालय, ये सारा चीज लिखा हुआ मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। तीसरा बंटवारा हमारा होता है मिडिल हिमालय और चौथा बंटवारा होता है हमारा आउटर हिमालय, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे पॉइंट है कि तीन बार बार हम बात कर रहे थे और ट्रांस की बात अभी लेके आ गए, तो पॉइंट यहां पर यह है कि ट्रांस हिमालय हिमालय से पुराना है। बात को समझिए, ट्रांस हिमालय हिमालय से पुराना है। जब हम आपको हिमालय की उत्पत्ति समझा रहे थे वहां पे हमने बताया था कि पहले से तिब्बत की प्लेटें वहां मौजूद है, यानी कि पहले से अंगारा लैंड वहां मौजूद है, यूरेशियन प्लेट वहां मौजूद है, और भारतीय प्लेट आकर के जब उसको धक्का मारती है या कोवर के भूसन्नति सिद्धांत के हिसाब से अगर टेथिस सागर पे हिमालय का निर्माण हुआ है तो पहले से वहां पे एक प्लेटें मौजूद है और उस भूसन्नति सिद्धांत में टेथिस सागर के मलबा मुड़ के हिमालय का निर्माण करता है। ये पहले से बना हुआ, उसमें कोई भी सिद्धांत पढ़ेंगे आप देखेंगे काराकोरम लद्दाख और जास्कर का रेंज पहले से बना हुआ, जिसे ट्रांस हिमालय का पार्ट माना गया, ध्यान रखिएगा। तो ये ओल्डर देन हिमालय है, मेरा सीधा कहने का मतलब ये है पहले से बना हुआ है तो क्या हो, ओल्डर देन हिमालय है। तो फिर हिमालय के अंदर क्यों पढ़ते हैं, तो चूंकि इसको ट्रांस हिमालय कह दिया, कहीं ना कहीं नाम हिमालय है, हिमालय से पहले का पॉइंट है, जिसको बाहे हिमालय कहते हैं, बाहरी हिमालय या बृहत हिमालय कहते हैं। तो पॉइंट यहां पर ध्यान रखिएगा कि चूंकि हिमालय नाम का मतलब होता है वैसा जगह जहां पे बर्फ वगैरह हो, तो अभी पहले से है तो इसको बृहत हिमालय कह दिया और फिर बाकी को हिमालय के अंतर ले आया। लेकिन पढ़ने के क्रम में हम इन चारों को एक साथ पढ़ लेते हैं। तो अब शुरू करते हैं हम लोग ट्रांस हिमालय से। ट्रांस हिमालय आपका पहला टॉपिक है हिमालय के बंटवारा में, ट्रांस हिमालय के बारे में, ट्रांस हिमालय। अब इसके बारे में क्या देखेंगे, पहला पॉइंट है यह हिमालय से पुराना है, पहला पॉइंट तो यह है कि हिमालय से पुराना है, और इसके तीन रेंज है, ये तीनों रेंज आपको यहां पे दिखाई देगा, देना चाहिए, मैं दिखाता हूं, ठीक है। तीन रेंज है, कौन कौन सा रेंज है वो देखिए, ये है काराकोरम का रेंज, ये है काराकोरम, ये है लद्दाख जो यहां पे मैंने, और ये है जास्कर, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीन रेंज है, तो आप लिख लेंगे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तीन रेंज है काराकोरम के अंतर्गत, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। इसी ट्रांस हिमालय में भारत का सबसे ऊंची चोटी K2 है, ध्यान रखिएगा, मैं यहां पे बना देता हूं। इसी ट्रांस हिमालय में काराकोरम में, ट्रांस हिमालय के काराकोरम रेंज में भारत का सबसे ऊंची चोटी क्या है, K2 है, और इस K2 को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड गॉडविन ऑस्टिन, That is called Godwin Austin. तो K2 के एक और नाम से जानते हैं, That is called Godwin Austin. ठीक है, K2 को किस नाम से जानते हैं, Godwin Austin के नाम से, जो कि काराकोरम रेंज पे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो काराकोरम रेंज पे K2 है, Godwin Austin, और ये भारत का सबसे ऊंची चोटी है, बात ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, यहां पे लिख देता हूं मैं, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, मैं बोल रहा हूं भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, काराकोरम। इसी काराकोरम रेंज में क्या बोलते हैं, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है, इसी काराकोरम रेंज में भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन, व्हाइट कलर से थोड़ा सा मैं सियाचिन बनाया, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर है जो कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। बहुत सारा ग्लेशियर्स पाए जाते हैं लेकिन सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और सियाचिन ग्लेशियर के बारे में एक और पॉइंट क्या है कि ये सबसे हाईएस्ट वार जोन है या सबसे हाईएस्ट प्लेस है जहां पे आर्मी को डिप्लॉय किया गया है, मतलब एक ऐसा जगह जहां आर्मी को रखा गया है, दुनिया में सबसे ऊंची जगह है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम का आएगा कि कौन ऐसा जगह है दुनिया में सबसे ऊंची जगह जो लड़ाई का मैदान है, तो सियाचिन है, ये भी बात, या सबसे ऊंची जगह जहां आर्मी को रखा गया है तो सियाचिन है, याद रखिएगा। तो सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ज्यादा वार जोन की सबसे ऊंचाई पे स्थित वार जोन है, ठीक है, पॉइंट हो गया यहां पे ट्रांस हिमालय के काराकोरम के बारे में। लद्दाख में आप जानते हैं यहां पर ले है लद्दाख, हालांकि नई नई एक लद्दाख क्या बना है, यूनियन टेरिटरी बना है उसी नाम से। लद्दाख और जास्कर दो श्रेणी है, और लद्दाख और जास्कर के बीच से अगर मैं ब्लू कलर से बना दूं तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि लद्दाख और जास्कर के बीच से ही क्या निकलती है, इंडस रिवर निकलती है लद्दाख और जास्कर के बीच से, और यही इंडस रिवर फिर पाकिस्तान में चली जाती है। तो यहाँ पर जो मैं इस तरीके से बनाया हूँ हल्का हल्का, ये लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से इंडस रिवर निकल रही है, लद्दाख और जास्कर के रेंज के बीच से, ठीक है, ये लद्दाख है और ये जास्कर है, इसके बीच से निकल रही है,
इंडस रिवर। तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा कि लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से क्या निकलती है, इंडस रिवर निकलती है। ये बात भी आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। चलिए ठीक है, और भी अगर कुछ पॉइंट होगा तो रिटेल में मिल जाएगा। ये यहाँ पे ट्रांस हिमालय के लिए मैंने आपको इतना बात समझा लिया। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझेंगे कि हिमालय से पुराना है। उसके बाद देखते हैं महान हिमालय, यानी कि अब अपना टॉपिक में क्या आ जाएगा, महान हिमालय। ब्लैक कलर से जो आपको ऊपर में मैंने दिखाया, ये महान हिमालय है। महान हिमालय इसकी पूरी की पूरी लंबाई वही है जो हिमालय की लंबाई हमने शुरू में बताया था 2400 किलोमीटर। तो ये भी बात आप लिख लीजिएगा। इसका एवरेज हाइट लिख लीजिएगा, महान हिमालय का एवरेज हाइट। तो महान हिमालय का जो एवरेज हाइट है वो है 6000 मीटर। 6000 मीटर एवरेज हाइट है, औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। ठीक है, कितना है, 6000 मीटर। 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और यहां पे दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत समूह है। इस महान हिमालय पे दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत समूह है। सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत समूह, समझ गए। ये हिमालय सबसे पहला बना हिमालय है, यानी कि ओल्डेस्ट रेंज जो 3 हिमालय में out of 3 है ना, ओल्डेस्ट रेंज आउट ऑफ 3 है। ओल्डेस्ट आउट ऑफ 3 में सबसे पुराना है ना, सबसे पुराना है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे दुनिया के सबसे ऊंचे जो पीक पाए जाते हैं, उसमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नमचा वर्वा, नंदा देवी, बंदरपूछ, मकालू, उसके बाद उसमें पाए जाते हैं कमेट, उसके बाद धौलाधर, बहुत सारे पीक पाए जाते हैं। हम सबके लिस्ट आपको बनाए हैं और कौन सा पीक कौन से जगह पे पाया जाता है वो भी हमने वहां पे बता दिया, तो इसको चिंता मत कीजिएगा। तो ये दुनिया का सबसे प्राचीन, सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला है वो है ये, और सबसे ऊंची पीक भी यहां पे पाई जाती है महान हिमालय पे। ठीक है ना, महान हिमालय के बारे में बात किए। महान हिमालय की चौड़ाई जो है ना 120 से 180 किलोमीटर के बीच में, इसकी जो चौड़ाई है की बात करें तो 120 से 180 किलोमीटर महान हिमालय की आपको चौड़ाई समझ में आएगी। 120 से 180 किलोमीटर समझ में आ रहा है ना। चलिए, ये महान हिमालय जो ब्लैक कलर की बात की, उसके बारे में और भी बातें हम आपको जो नोट्स में है वो आपको मिल जाएगा। महान हिमालय के बाद एक दूसरा रेंज है जो कि आपको वायलेट वॉल्वेट कलर में दिख रहा है, दैट इज मिडिल हिमालय, जिसको लेसर हिमालय भी कहते हैं, हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। अच्छा, महान हिमालय के बारे में एक बात आपको बता दिया, नहीं बताया, उसको हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं महान हिमालय को, हिमाद्री हिमालय। ठीक है, ब्लैक कलर वाला महान हिमालय है, याद रखिएगा। मैप को अच्छे तरीके से समझिए, अपने कॉपी में जितना लिख सकते हैं लिखिए, इस तरीके से मैप तो आप जरूर बना लीजिए। ठीक है, बीच वाला है उसको बोलते हैं लेसर हिमालय या हिमाचल हिमालय, लेसर हिमालय या हिमाचल हिमालय, हिमाचल। ठीक है, या इसी को बोलते हैं मिडिल हिमालय, तीनों नाम इसी का है। ठीक है, और चूंकि ये मिडिल हिमालय, लेसर या हिमाचल हिमालय है, और इसकी ऊंचाई है लगभग 4500 मीटर के आसपास, यानी कि ये 2500 से 4500 मीटर, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, कि आसपास इसकी ऊंचाई है इस हिमालय का। और इस हिमालय के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि इस हिमालय पे आपको बहुत सारे वैलीज मिल जाएंगे, इस हिमालय पे आपको क्या बोलते हैं अल्पाइन रेंज मिल जाएंगे, जो क्या बोलते हैं वेजिटेशन का रेंज है, अल्पाइन रेंज इस हिमालय पे मिल जाएंगे। तो ये हिमालय बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद सबसे बाद का हिमालय है आउटर हिमालय, चूंकि इसकी फॉर्मेशन सबसे बाद में है तो इसको रिसेंट पार्ट ऑफ हिमालय भी बोलते हैं, रिसेंट हिमालय भी इसको बोलते हैं। ठीक है, सबसे बाद का हिमालय बोलते हैं, और इसका नाम है आउटर हिमालय, जैसा कि आप देख रहे हैं, और शिवालिक हिमालय भी इसको बोलते हैं, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। हिमालय के तीनों रेंज में सबसे ज्यादा बसावट, मानव का बसावट इसी रेंज में पाया जाता है। किस लिए, क्योंकि ये रेंज रहने के अनुकूल है। इसके नीचे जो मैं ब्लैक कलर से आपको बना रहा हूं, ये तराई रीजन है। शिवालिक हिमालय के जो नीचे ये क्या है, तराई का रीजन है, तराई। हम जब प्लेन की बात करेंगे तो तराई रीजन के बारे में अच्छे से समझाएंगे। तो शिवालिक के फुट हिल पे क्या है, तराई है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सीधे आपके नोट्स पे चलते हैं, और नोट्स और मैप दोनों को अब हम एक बार सिंक्रोनाइज करते हैं और एक साथ पढ़ाते हुए आपको चलते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, नोट्स में पहले हमने क्या कहा, द हिमालय,
द हिमालय में हमने आपको बताया ओरिजिन ऑफ हिमालय, जिसमें हमने बताया कि सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, ये बात हमने आपको बताया, जिसमें क्या होता है कि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से क्या करता है, कोलाइड करता है, यानी कि एक दूसरे से टकराते हैं। ये सारा कहानी हमने यहाँ पे बताया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारा कहानी यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट, चूंकि मैंने कहा था कि मैप और नोट्स को सिंक्रोनाइज करेंगे, ये देखिए। फिर यहाँ पे ट्रेंच बनता है, ये भी बात हमने आपको बताया। फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं वो देखिए कि टेथिस जियो सिंक्लाइन थ्योरी ऑफ कोबर, यहाँ पर दूसरा थ्योरी है कोबर के टेथिस जियो सिंक्लाइन थ्योरी, भू सन्निति थ्योरी, ठीक है। उसमें क्या कहता है कि वहां पे टेथिस जियो सिंक्लाइन था, टेथिस भू सन्निति या टेथिस सागर जिसको कहते हैं वो था, और उस जगह पे हिमालय का निर्माण हुआ, जो कि एग्जाम का क्वेश्चन जो हमने आपको पहले बताया मैप में, उस जगह पे हिमालय का निर्माण हुआ। और आपने देखा कि किस तरीके से वो मलबा जो है ना मुड़ जाता है, तो हिमालय में अवसादी चट्टान पाए जाते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए ठीक है, हिमालय को यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं, ये बात हमने बता दिया किस तरीके से यंग और फोल्ड और माउंटेन है, जो कि फोल्ड हो गया है टकराने से और वो माउंटेन बन गया है, और उसकी ऊंचाई अभी बढ़ रही तो ये यंग है, तो यंग फोल्ड माउंटेन है। कॉन्वेक्स बेंड है, ये भी बात हमने आपको बताया, इसकी जो एक्सटेंड है वो नंगा पर्वत से नमचा बड़वा है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये सिंधु नदी के गॉर्ज से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के गॉर्ज तक इसका फैलाव है, तो दोनों बातें यहाँ पे हो गई। लेंथ 2400 किलोमीटर बताया, चौड़ाई हमने बताया 200 से 350 किलोमीटर, और ये दोनों बात हमने बताया कि ईस्टर्न हिमालय जो है ना वेस्टर्न हिमालय से ज्यादा ऊंचा है, और सबसे नीचे वाली बात बताया कि वेस्टर्न हिमालय ईस्टर्न हिमालय से ज्यादा चौड़ा है, ठीक है। ये दोनों बात यहाँ पे हमने कर दिया, ओरिजिन ऑफ हिमालय और हिमालय से कुछ जुड़े हुए पॉइंट। उसके बाद हम देखते हैं कि हम क्या देखते हैं हिमालय के बारे में, ट्रांस हिमालय, जैसा कि हमने आपको बताया कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ट्रांस को एक साथ दिखाना जरूरी था क्योंकि हिमालय से पुराना है ये, यहाँ पे हमने आपको बताया कि रेंज इज ओल्डर देन हिमालय, और इसमें तीन रेंज पाए जाते हैं, दैट इज काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर, तीन रेंज पाए जाते हैं, और इसी पे केटू या गॉडविन ऑस्टिन जो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है वो पाया जाता है। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे केटू या गॉडविन ऑस्टिन, सॉरी यहाँ पे बना हुआ केटू लिखा हुआ, केटू या गॉडविन ऑस्टिन लिखा हुआ ना, केटू या गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। चलिए उसके बाद हमने क्या देखा है, सियाचिन ग्लेशियर जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये भी बात हमने बताया, और हाईएस्ट प्लेस वेयर आर्मी डिप्लॉय, ऐसा प्लेस जहां पे आर्मी है सबसे ऊंचा है, ये भी बात हमने बताया कि सियाचिन ग्लेशियर का ये पॉइंट है पूरा का पूरा। और हमने दूसरा बात क्या बताया कि इंडस रिवर लद्दाख और जास्कर के बीच से निकलती है, वहां पे डॉट करके समझाया था। यहाँ पे मैप देखिए किस तरीके से ये इंडस रिवर है और ये यहाँ पे देखो किस तरीके से निकल रही लद्दाख और जास्कर के, सॉरी किस तरीके से निकल रही है, और यहाँ पे जहां पाकिस्तान में इंटर कर रही है, देखो यहाँ पे नंगा पर्वत के पास इस जगह पे यहाँ पे गॉर्ज बनाती है हिमालय को काट के, तो इसी गॉर्ज की बात किए थे जो हिमालय के विस्तार में बात किए थे, ठीक है। तो ये इंडस रिवर है जो आपको दिख रहा है लद्दाख और जास्कर के बीच में ब्लू कलर का लाइन, तो ये ट्रांस हिमालय था। ट्रांस के बाद हम लोग बात कर रहे थे ग्रेट हिमालय का, ग्रेट हिमालय हमने क्या बताया, इसको हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, ये बात हमने आपको बता दिया। औसत ऊंचाई इसका 6000 मीटर है, इसकी चौड़ाई अगर मैंने नहीं लिखा तो वो मैं आपको बता दूं, उस समय मैंने बताया है कि इसकी चौड़ाई 120 से लेकर 180 किलोमीटर के बीच में है। चलिए ठीक है, दुनिया के बहुत सारे ऊंचे ऐसे पीक है जो इस हिमालय पे है, जैसा मैंने उस समय नाम लिया था, अब यहाँ पे मैं नाम भी ले रहा हूँ और बता भी रहा हूँ कि कहाँ पे वो पीक है, जैसे कि नंगा पर्वत जम्मू एंड कश्मीर में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, कमेट उत्तराखंड में है, बंदरपुच उत्तराखंड में है, धौलागिरी नेपाल में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, एवरेस्ट नेपाल में है, मकालू नेपाल में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, नमचा बड़वा तिब्बत में है। अब इन सब में एक पॉइंट है जो माउंट एवरेस्ट है, जो दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है, उसको नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, और यहाँ पे मैंने येलो कलर से इसको कर दिया है क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि इसको सागर माथा कहा जाता है नेपाल में। और यहाँ पर जो मैंने आपको कोई कौन सा माउंटेन, सॉरी माउंटेन पीक किस जगह पे है लोकेशन, वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और इतना क्लोज ऑप्शन बनाएगा कि आप जब तक उसको मैप पे नहीं देखेंगे तब तक ये आपको ध्यान नहीं रहेगा। तो अब आपका काम क्या है, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि हिमालय का ऐसा मैप ढूंढो जहां पे आपको ये सारा मिल जाए और वहां पे आप उसको आइडेंटिफाई करो। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो एक एक करके आप गूगल में ढूंढो और आपके ब्लैंक मैप पे उसको एक तीर के निशान बना करके सबको सजा दो,
समझ गए, जिस तरीके से मैंने सजाया उसी तरीके से कि किसके बाद कौन है, किसके बाद कौन है, किसके बाद कौन है। आपको हम बता दें इंफॉर्मेशन के लिए कि मैंने उसी अरेंज में सजाया है, इधर से इधर, फिर उसके बाद यहां से यहां, जिसमें एक के बाद एक दूसरा आ रहा है। मतलब कंचनजंगा से पहले माउंट एवरेस्ट है तो वो आ रहा है, या कंचनजंगा से पहले मकालू, मकालू के पहले माउंट एवरेस्ट है, तो उसी अरेंज में मैंने सजाया है। आप भी इस तरीके से सजा दीजिए मैप में, इससे क्या होगा कि आपका हिमालय एकदम तैयार हो जाएगा, विश्वास रखिए। एक घंटा दीजिए, अरे इसको सजाने में कितना समय लगेगा, 20 मिनट, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक घंटा दीजिए, आपका सब जीएस एकदम तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं मिडिल हिमालय के बारे में। हमने क्या बताया कि ये मिडिल है और उसकी ऊंचाई कितना, एवरेज हाइट बताया था मैंने 2500 से 4500, यहाँ पे 3000 से 4500 लिखा, कोई बात नहीं, ठीक है, इसी को आप मान लीजिए 3000 से 4500, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा नोट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लेसर हिमालय या हिमाचल हिमालय भी इसको क्या कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स है, कुछ वैली है जो हमने बताया था, अल्पाइन ग्रास लैंड है, ये भी बात हमने आपको बताया था, और हिल स्टेशन की बात। तो यहाँ पे सबको यहाँ पे देख लेते हैं, और सबके नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए इसको लिखना बहुत ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। जैसे इंपॉर्टेंट पीक में हम क्या लिखा, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत, ये चारों क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं कि ये किसका पार्ट है, मिडिल हिमालय, आउटर हिमालय, या महान हिमालय, या ट्रांस हिमालय, चार ऑप्शन बना दिए। आपको मिडिल हिमालय टिक करना है, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत, इसमें से कोई एक भी दे दे कि नागटिब्बा इज द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, या आउटर हिमालय, तो वहां पर भी आपको मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय टिक करना होगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट वैलीज है, कौन कौन सी वैली है, कश्मीर वैली, लाहौल स्पीति, कुल्लू एंड कांगड़ा वैली, ये इंपॉर्टेंट वैलीज है जो मिडिल हिमालय में है। आप ध्यान रखिएगा, यहां से किसी एक को भी क्वेश्चन उठा करके पूछ सकता है, आपसे क्या पूछ सकता है कि कुल्लू या कांगड़ा वैली किस हिमालय पे है, या किस हिमालय के बीच में है, तो महान हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, आपसे कभी भी किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप इसको पूछे हैं तो आप अपने पॉइंट को, अगर इसको बना रहे हैं तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा, ठीक है। चलिए, अल्पाइन ग्रासलैंड जिसको यहाँ पे मर्ग कहा जाता है, और आप जानते हैं कि मर्ग से अपने देश में शहरों का नाम है, सोनमर्ग, गुलमर्ग, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, सोनमर्ग, गुलमर्ग जैसे शहर या जैसे जगह का नाम है मर्ग से। दरअसल ये ग्रासलैंड है, मर्ग क्या है, ग्रासलैंड है, और अल्पाइन पेड़ भी पाया जाता है, जिसमें एप्रिकॉट जैसे पेड़ इंपॉर्टेंट है अल्पाइन ट्री में। ये बात जब हम वेजिटेशन ऑफ इंडिया पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको ये दिखाई पड़ जाएगा, अल्पाइन ट्री, ठीक है ना, जिसकी ऊंचाई 2500 से लेकर 4500 मीटर, लगभग वही सब मिल रहा है जो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। चलिए हिल स्टेशन की बात करें, तो यहाँ पे आप छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं मिडिल हिमालय में, दैट इज शिमला, कुल्लू, दार्जिलिंग, ये छुट्टियों मनाने की समय है, रानी खेत, ये सारे छुट्टी मनाने के, मनाली छुट्टी मनाने का समय है, मसूरी, देख रहे हैं ना, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, रानी खेत, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये छुट्टियां मनाने का जगह है, समय है, तो ये छुट्टियां मनाने की जगह हिल स्टेशन है। तो कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि मसूरी हिल स्टेशन किस हिमालय में है, या दार्जिलिंग हिल स्टेशन किस हिमालय में है, या फिर आपसे शिमला हिल स्टेशन किस हिमालय में है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। पूछ दिया शिमला हिल स्टेशन किस हिमालय में है, बहुत छुट्टी मनाने जाते और चार ऑप्शन बना दिया, दैट इज द फर्स्ट वन इज ट्रांस हिमालय, सेकंड वन इज क्या बोलते हैं ग्रेट हिमालय, थर्ड वन इज मिडिल हिमालय, एंड फोर्थ वन इज आउटर हिमालय, वहां पे आपको टिक करना होगा। तो इस पॉइंट को समझ लीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि मिडिल हिमालय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब चूंकि मैंने आपको मैप भी बताया था मिडिल हिमालय का, तो अगर मैप भी आपको दिखा दूं तो कुछ इस तरीके का मैप है, ये मिडिल हिमालय जो येलो कलर से, सॉरी जो वॉल्वेट कलर से बीच वाला, मैंने मैप भी बताया था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब अगला हमारा होगा आउटर हिमालय, दैट इज आल्सो कॉल्ड लेसर, सॉरी शिवालिक हिमालय, जो यहां पे आपको दिख रहा है, इसको शिवालिक हिमालय भी कहते हैं, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है इसलिए इसको आउटर हिमालय कहते हैं। आउटर मोस्ट लेयर होने का मतलब सबसे बाद में बनाया है, तो इसको रिसेंट पार्ट ऑफ हिमालय भी लिखा है, ये भी बात मैंने आपको बता दिया, मोस्ट रिसेंट पार्ट ऑफ हिमालय। दरअसल ये लाइन ही एग्जाम का क्वेश्चन था जो हम सॉल्व करके आए थे, मोस्ट रिसेंट पार्ट ऑफ हिमालय, ठीक। चलिए
इसकी एवरेज हाइट की बात करें तो 900 से 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है और यहाँ पे दूंस और द्वार जैसे ग्रासलैंड पाया जाता है। देहरादून हरिद्वार जैसे शहर का नाम सुने हैं, ये दरअसल वहां पे सॉरी वैली है, देहरादून हरिद्वार जैसे वैली है जो पाया जाता है। तो यहाँ पे दूंस वैली को दूंस या द्वार कहा जाता है, ठीक है। दून से और भी नाम आपको वहां पे मिल जाएगा, मैंने एक फेमस नाम देहरादून लिया है जो कि आप जानते हैं कैपिटल ऑफ, आप लिखेंगे मेंशन करेंगे कैपिटल ऑफ व्हिच, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि आपको कैपिटल ध्यान में रखना पड़ेगा, देहरादून कहां की कैपिटल है। चलिए लोअर पार्ट ऑफ शिवालिक इज कॉल्ड तराई, मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक लाइन खींच करके कि शिवालिक का सबसे नीचे का पार्ट जो होगा वो क्या होगा, तराई रीजन होगा। तराई रीजन होगा यहाँ पे देखो, चूंकि तराई रीजन के बारे में हम प्लेन ऑफ इंडिया जब पढ़ा रहेंगे तो वहां पे हमको बात करना है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे तराई रीजन को मेंशन किया है और क्वेश्चन एग्जाम का पूछा है तराई रीजन से बहुत सारा, तो तराई रीजन के बारे में हम लोग बात यहाँ पे कर लेंगे। तो ये हिमालय के तीनों के बारे में पॉइंट था, तीनों हिमालय के बारे में, यानी कि महान हिमालय, मिडिल हिमालय, आउटर हिमालय और ट्रांस हिमालय की बात की थी जो हिमालय से पुराना है, जिसके बारे में हमने बहुत सारी बातें यहाँ पे करने की कोशिश किया है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको शेयर किया है। और इस इंफॉर्मेशन शेयर में हमने आपको मैप बना करके भेजा दिखाया है, यहाँ पे लाइन खींच के दिखाया, आप भी इस तरीके से लाइन खींच लेंगे, मैप बनाएंगे, इंडिकेट करेंगे कि कहाँ कौन सा हिमालय है, मैंने कलर से इंडिकेट कर दिया। आपके पास कलर नहीं है कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे इंडिकेशन जो है ना पेन चला करके नाम लिख करके कर देंगे। ट्रांस हिमालय का भी इंडिकेशन आप करेंगे, काराकोरम लद्दाख और जास्कर ट्रांस हिमालय के बारे में बात कर लेंगे। और उसके बाद हमने बात किया आपको ओरिजिन ऑफ हिमालय से, किस तरीके से धक्का लगा और बना, ये धक्का लगा और बना वाला कहानी हम आपको बताते रहेंगे। हम आपको पहले भी वादा किए हैं कि ज्योग्राफी आपको यहीं पे याद करा के आपको भेजेंगे, घर पे जाकर रिवीजन करने की जरूरत नहीं होगी, घर पे जो होमवर्क देते हैं वही काम कीजिए, इससे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तैयार होंगे। बाकी हमारा जो रिवीजन करना वो तो हम क्लास में ही कराएंगे, वो तो मेरे को पूरा विश्वास है कि हम ज्योग्राफी खत्म होते होते आपको ज्योग्राफी का रिवीजन और क्लास सब हो जाएगा। तो आप अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी बन रहा हो तो भी आप हमें कमेंट करेंगे, और पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई किसी तरीके का कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करेंगे, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई दूसरी समस्याओं के लिए आपके पास भी समय नहीं होना चाहिए जब तक कि आपको नौकरी ना लगे, और हमारे पास भी समय नहीं है क्योंकि हम आपको नौकरी लगवाने देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।